हे गाइस, दिस इज सीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। और अगर इंट्रोडक्शन और भी चाहिए तो इसका इंट्रोडक्शन ये रहा कि दैट आई सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 ऑल्सो। सो गाइज, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मैं आपको बता दूं, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल और सीए फाइनल तीनों ही जगह पर कॉमन है। मतलब तीनों ही जगह पर कॉमन इन द सेंस कॉन्सेप्ट्स तीनों जगह पर सेम है, केवल अंतर है अगर उसका तो वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। अगर मैं बात करूं सीएमए इंटर और फाइनल की कंपैरिजन की, तो सीएमए इंटर के जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है वो सीएमए फाइनल के अंदर एज इट इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दैट मीन्स जो इंटर के क्वेश्चंस हैं वो फाइनल में आपको एज इट इज मिलते हैं। फाइनल के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ इंटर वाले तो है ही हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और ऐड कर दिए गए हैं फाइनल में। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। अब इस टॉपिक के ऊपर क्या चर्चा करेंगे, किस तरह करेंगे, इसके लिए मैंने आज आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ आया हूं कि जहां पर आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है। और मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि आज हम जो चीज सीखने वाले हैं उसमें आपको कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स आप आज रिलैक्स हो सकते हैं। आज आपको कॉपी पेन कुछ नहीं, आपको सत्यनारायण की कथा के जैसे आपको बैठना है, भगवान का ध्यान करना है और क्लास को एंजॉय करना है। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के अंदर इसका क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो अब पॉइंट क्या है कि अब इसे किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो लेक्चर रहेगा, इस आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का जो भी क्राइटेरिया है वो सारे क्राइटेरियाज में आप लोगों को इसमें दिखाने वाला हूं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, किस तरह देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैं आप लोगों को मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर लेके जाऊंगा, जहां पर हम लोग हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। बाकायदा मैं उसके पीछे की एक स्टोरी भी आप लोगों को सुनाऊंगा जिसमें आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। फिर मज़े के साथ हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीख लेंगे। फिर अब बात आती है कि सर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, आपने कह दिया कॉपी नहीं करना है, तो फिर क्या करना है। तो डोंट वरी, कॉपी करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इनको कॉपी कराऊंगा। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर की पीपीटी प्रेजेंटेशन भी मुझे कॉपी करने का है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात इसकी। अब आपको पता ही है कि सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, सीए फाइनल सबके ऊपर एप्लीकेबल है ये, बताओ। तो अगर आपका कोई जानकार इन तीनों में भी कहीं फॉल कर रहा है ना, तो आप उसको भी दिखा सकते हैं ये लेक्चर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेकर के चलता हूं। ये खुल चुका है पर्दा। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। मैं हो सकता है आई डोंट नो कि मैंने ऑल्दो इसके अंदर जो कलर्स यूज़ किए हैं वो इसी हिसाब से यूज़ किए हैं कि आपको वीडियो में क्लियरली विजिबल हो। अगर कहीं पर कोई दिक्कत भी आएगी तो आप डोंट वरी, मैं डिक्टेट भी करूँगा तो आप लोग वहाँ से ढंग से समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। ये टॉपिक जो है ना, ये आपका सीएमए इंटर, फाइनल और सीए फाइनल इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब एक स्लाइड मेरे इंट्रोडक्शन के लिए, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। बिल्कुल राइट साइड के अंदर जो फोटो नजर आ रही है, इसमें फोटो के अंदर राइट साइड में जो है ये आपके सीए में आशुतोष लाटा सर, बीच में कौन है और साइड में कौन है, तो उनके लिए ये रहा उनका इंट्रोडक्शन। दैट इज फेलिसिटेशन बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल मिस्टर रामचरण बोहरा। जी हाँ, रामचरण बोहरा जी जो हमारे जयपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा, एंड एमएलए मिस्टर राजकुमार शर्मा, ये हमारे राजस्थान स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए हैं। और इन्होंने मेरे को ये किस चीज़ के लिए सम्मानित किया है, तो वो है ये, दैट इज सीएमए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1। चलिए, ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं एक ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्कशन पर। आई होप सो आप सब लोगों ने इस ग्रुप का नाम जरूर सुना होगा। हो सकता है आप लोगों ने कभी इनके ड्रेसेस, इनका फैब्रिक ये लिया होगा। ये अगर आपने नहीं भी लिया है तो मैं आपको बता दूं, रेमंड्स ग्रुप जो है ये बड़ा ही वेल नोन ग्रुप है। अगर हम बात करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स की, तो इनके वो भी आते हैं, पार्क एवेन्यूज वगैरह के जो इनके ब्रांड हैं वो। अगर हम बात करते हैं इनके फैब्रिक की, तो इनका फैब्रिक तो मोस्ट पॉपुलर है। तो इनका जो फैब्रिक है रेमंड्स का, क्योंकि रेमंड्स का नाम, वो कहते हैं ना, नाम से बिकता है, तो रेमंड्स का फैब्रिक। अब पॉइंट क्या आता है सर ये क्या, ये सर शुरुआत से ही अमीर लोगों में से काउंट होते थे क्या? तो मैं आपको बता दूं नहीं, यहां पर इस ग्रुप को जिन्होंने इस ग्रुप का फाउंडेशन किया, दैट मीन्स फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप, वो थे विजयपत सिंघानिया। कौन थे फाउंडर? विजयपत सिंघानिया जी थे। अब पॉइंट क्या है सर, विजयपत सिंघानिया जी जो फाउंडेशन इसके फाउंडर थे, उन्होंने आपने ये क्या क्यों लेकर आए हो? तो मैं आपको बता दूं, इसके जो एग्जाम्पल है ना, इसके एग्जाम्पल के साथ आपको ये पूरा माइंड में क्लिक होगा। क्या है, विजयपत सिंघानिया जी जो रेमंड्स ग्रुप के फाउंडर थे। अब आपको पता है रेमंड्स जो ग्रुप है वो दो चीजों में डील करता है, फैब्रिक भी बेचता है, दैट मीन्स केवल कपड़ा भी बेचता है, और रेडीमेड गारमेंट्स भी बेचता है। आपने देखा होगा रेडीमेड इनके जो है, इनके बाकायदा कोट पैंट्स भी आते हैं, इनका पूरा सूट भी आता है, इनके पैंट शर्ट्स भी आते हैं, पूरा सब कुछ आता है, इनका सब कुछ आता है। तो अगर इनके पास दोनों सेगमेंट है, अब हुआ क्या, हम लोग ये सोचते हैं कि यार इनके पास तो पैसा ही पैसा है, ठीक है, पहले क्या था वो नहीं, दैट डजेंट मैटर, आज इनके पास बड़े पैसे ही पैसे हैं। हमारा माइंड में आता है अरे यार सर, जिनके घर में पैसे की कमी नहीं है उनके घर में तो लड़ाइयाँ होती नहीं होंगी, उनके घर में तो लड़ाइयाँ होती नहीं होंगी, लड़ाइयाँ तो सर केवल हमारे घर में होती हैं, जहाँ पर अगर एक बिस्किट के पैकेट में 7 बिस्किट आए तो तू 4 कैसे ले सकता है, मैं 3 क्यों लूँ? हमारे तो घर की लड़ाइयाँ, हमारे घर की लड़ाइयाँ तो बड़ी विचित्र तरह की लड़ाइयाँ होती है। मतलब पिज़्ज़ा आया, 5 स्लाइस आई पिज़्ज़ा में, मैकडोनल्ड से पिज़्ज़ा मंगाया, 2 भाई बहन हैं, 5 स्लाइस आ रहे हैं। अब 5 स्लाइस आने के बाद तीसरा कौन ले, जो पांचवा है ना, 2 और 2 तो बांट देते हैं, लेकिन ये पांचवा कौन लेगा, इसका डिसीजन जो है ना वो बड़ा भारी होता है। फिर इसके डिसीजन के अंदर है ना मम्मी बीच में आती है, वो कहते हैं ये ले टक, आधा तेरा, ढाई तू खा। ऐसे करके हमारे तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल बैठाए हुए होते हैं हमारे घर में। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या होती है, हमको लगता है इन लोगों की लड़ाइयाँ नहीं होती, लड़ाइयाँ इन लोगों के अपने से ज़्यादा होती हैं, अपन लोगों से ज़्यादा टेंशन्स होती हैं इन लोगों की लड़ाइयाँ किस तरह की होती है, उसको संपत्ति 1000 करोड़ की, मेरे को संपत्ति 800 करोड़ की, मतलब कि करोड़ों में अरबों में बात करते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। विजयपत सिंघानिया जी जो हैं, जो फाउंडर थे रेमंड्स ग्रुप के, अब ऑब्वियस ही बात है, हम सब लोग जानते हैं, हमारे ट्रेडिशन में इंडियंस लोग हैं हम लोग, यहाँ पर हर एक चीज़, यहाँ पर हर एक बिजनेस एक समय बाद, जब पिताजी या हमारे दादाजी, जब हमारे पिताजी पुश्तैनी जो भी हमारा बिजनेस रहता है वो हैंड ओवर करते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन को। अब समस्या क्या आती है, विजयपत सिंघानिया जी जो हैं, इनके 2 बिजनेस है, आपको जैसा मैंने बताया, विजयपत सिंघानिया जी के 2 बिजनेस है, फैब्रिक का बिजनेस भी है और इन लोगों का रेमंड्स गारमेंट्स का भी बिजनेस है, सॉरी रेडीमेड गारमेंट्स का भी बिजनेस है। तो फैब्रिक का भी है, रेडीमेड गारमेंट्स का भी है। अब ये अपने आप में दोनों ही अलग अलग काम है। मतलब ऑल्दो हमें पता है कि जो हमारी रेडीमेड ड्रेसेस जो बनती हैं वो फैब्रिक से बनती हैं, वो हमें पता है, लेकिन ये दोनों ही अपने आप में एक अलग अलग डिवीज़न है। ये अपने आप में अलग अलग डिवीज़न इन द सेंस, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। होने को दोनों ही रेमंड्स ग्रुप के अंदर आते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, आप लोग भी जानते होंगे, अगर कभी हम लोग बात करेंगे, सपोज से कोई बंदा है वो काम कर रहा है रेमंड्स ग्रुप में, अब उससे अगर पूछा जाए कि रेमंड्स ग्रुप में आप कहाँ हो, तो वो क्या कहेगा कि मैं रेडीमेड गारमेंट्स का जो डिवीज़न है उसमें काम कर रहा हूँ। कोई बंदा कहेगा मैं फैब्रिक डिवीज़न जो है उसके अंदर काम कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में एक पॉइंट अराइज होता है कि सर होने को ये दोनों ही डिवीज़न, इनका जो इनका रूट है वो केवल एक जगह से बना है, वो है रेमंड्स ग्रुप। तो सर ये 2 अलग अलग डिवीज़न जो हैं, इनके प्रॉफिट वगैरह की भी कैलकुलेशन करनी है क्या? तो आंसर इज़ यस, इनके प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन हमको अलग अलग सेपरेटली करनी होती है। आज अगर सपोज से मैं मेरी बात करूं, तो जैसे सपोज मैं सीएमए इंटर के अंदर पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, सीएमए इंटर का पेपर 10 मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएम पढ़ाता हूं, मैं सीएमए फाइनल के अंदर भी आपका एक पेपर पढ़ाता हूं जो कि है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर 15। अब पॉइंट है, ऑल्दो तीनों ही पेपर मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, लेकिन समवेयर मैं जब मेरे अकाउंटेंट से बात करता हूं तो मैं उससे क्या पूछूंगा कि भैया मुझे ये बताओ, मुझे पेपर नंबर 8 की कितनी क्लासेस हैं और उसमें मुझे क्या बेनिफिट है, पेपर 15 की मेरी कितनी क्लासेस है उसमें मुझे क्या बेनिफिट है, पेपर 10 की मेरी कितनी क्लासेस गई, उसमें मुझे क्या बेनिफिट है। सर इसका क्यों आप कैलकुलेट कर रहे हो? मैं कहा इसका इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि मेरा मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट कौन सा है। यहां पर बात करूंगा पेपर 8 की, तो वो मेरे लिए एक सेगमेंट है, पेपर 10 की वो मेरे लिए एक सेगमेंट है, पेपर 15 की वो मेरे लिए एक अलग अलग सेगमेंट है। मुझे ये देखना है कि यार मेरा पेपर 15 के अंदर इस बार पिछले 15 दिनों के अंदर 400 बच्चों ने मेरी क्लास ली है और वहीं पेपर 8 की केवल 150 बच्चों ने क्लास ली है, तो क्या ऐसा पॉइंट आ रहा है। फिर मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा और इस चीज को बोलते हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। अगर मैं बात करूं रेमंड्स ग्रुप की, तो रेमंड्स ग्रुप के अंदर दो डिवीजन हो गए, एक फैब्रिक डिवीजन, एक आपका रेडीमेड गारमेंट्स का जो डिवीजन है वो। यहां पर अगर विजयपत सिंघानिया जी आज सुबह एक बड़े बेटे को भेजा तेरे को, अब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने दो डिवीजन थे, आपका फैब्रिक डिवीजन, ये आपका रेडीमेड गारमेंट्स डिवीजन। फैब्रिक डिवीजन उन्होंने दिया आपने बड़े बेटे को, रेडीमेड गारमेंट्स का जो डिवीजन है वो दिया अपने छोटे बेटे को। डेली शाम को तीनों बाप बेटे अपने एक डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाना खाने से पहले 15 मिनट का एक बिजनेस डिस्कशन करते हैं। बिजनेस डिस्कशन के अंदर उन्होंने वो अपने बड़े बेटे से पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुमने फैब्रिक का आज कितना टर्नओवर किया, नॉर्थ इंडिया में कितना रहा, साउथ इंडिया में कितना रहा, पूरा ऑल ओवर इंडिया कितना टर्नओवर रहा आज का। तो उन्होंने उनसे पूछा, उनका कहना था कि पापा मैंने ना आज जो नेट बेनिफिट अगर मैं आज बताऊं तो मेरे को जो हमारी अकाउंट्स टीम है, अकाउंट्स टीम से मैंने आते टाइम मैंने पूछा था, अकाउंट्स टीम का कहना था कि हमको फैब्रिक से आज में 225 करोड़ का फायदा हुआ है, आज में हमको 225 करोड़ का फायदा हुआ है। एट द सेम टाइम दूसरा डिवीजन कौन, छोटे बेटे का, छोटे बेटे से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारा क्या रहा, तो उन्होंने कहा पापा मेरे को ना एक्चुअली ना ये लिवाइस का, रैंगलर का, ली कूपर का, इन सब चीज़ों के कारण से ना मुझे काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। फैब्रिक तो क्या है ना, हमारा मोनोपोली मार्केट है, फैब्रिक के अंदर तो हम तो क्या है मोनोपोली में है, क्योंकि फैब्रिक हमसे बेटर कोई बहुत रेयरेस्ट कोई हमारे कंपटीशन में आसपास भी है, लेकिन यहाँ पर पापा हम ना लिवाइस में, रैंगलर में, ब्लैकबेरी में, इसमें हमारा कॉम्पिटिशन रहता है जो कि हमारा बड़ा टाइट कॉम्पिटिशन है। तो आज का हमारा वहाँ पर केवल 75 करोड़ का ही टर्नओवर हो पाया, 75 करोड़ का ही बेनिफिट हो पाया। तो पापा ने बोला कि उनको फैब्रिक के अंदर 225 करोड़, तुम्हारा 75 करोड़, परफॉर्मेंस किसकी बेटर आ रही है? परफॉर्मेंस ऑब्वियस ही बात है 225 वाले की याद। अब दोनों ही बच्चों को ना बिजनेस तो हैंडओवर कर दिया, लेकिन इनको सैलरी पे रखा। ऑल्दो घर के बिजनेस वाले लोग इतना इनको बेटों को थोड़ी सैलरी देंगे, लेकिन सपोज इनको सैलरीज पे रखा, तो सैलरी पर अगर रखा हुआ है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अब मुझे एक चीज बताओ कि विजयपत सिंघानिया जी बीइंग एन फाउंडर ऑफ रेमंड्स ग्रुप, वो दोनों बेटों में से किस बेटे को एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे? क्यों? उसने 225 करोड़ का किया, इसने 75 करोड़ का किया, ओवरऑल तो 300 करोड़ का हुआ ना। तो दोनों जो छोटा वाला बच्चा होगा ना जिसका 75 करोड़ का हुआ है, पापा क्या मतलब पड़ता है, भैया ने 225 किया, मैंने 75 किया, अपने घर में तो 300 करोड़ का मुनाफा हुआ ना। तो कहा नहीं ऐसे नहीं, यहां पर 225 करोड़ तेरे भैया ने परफॉर्मेंस दी है, तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको दिया जाता है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। क्या दिया जाता है? इंसेंटिव। तो इस कारण से जो डिपार्टमेंट के जो हेड है, जो डिपार्टमेंट के अपने वाइस प्रेसिडेंट है, डिपार्टमेंट के आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन लोगों को फिर इनके सबऑर्डिनेट्स को इनको दिया जाता है इसके बेसिस पर इंसेंटिव। वो इसलिए ताकि ये और एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करें और इस रिजल्ट्स को और निखार करके लाएं। तो ये जो काम किया जाता है ये इसलिए किया जाता है दोनों ही डिविजन्स का अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए, क्योंकि रीजन दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है ताकि हम इनको इनके परफॉर्मेंस के आधार पर इनको जो है परफॉर्मेंस बोनस दे सके। इसलिए हम लोग दोनों ही डिवीजन की अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। अब क्या है, अब देखिएगा, ये इनके बड़े बेटे का नाम मधुपति सिंघानिया, ये करेक्ट स्टोरी है मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, फैब्रिक वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन वो मेरा चेंज है, बाकी बाप बेटों के नाम यही हैं। जो बड़े बेटे हैं उनका नाम है मधुपति सिंघानिया और जो छोटे बेटे हैं उनका नाम है गौतम हरि सिंघानिया। उनका नाम है गौतम हरि सिंघानिया। तो ये कुल मिलाकर के रेमंड्स ग्रुप है। ये रेमंड्स ग्रुप के अंदर इनके दो बेटे हैं, इन्होंने इन दोनों बेटों को दिया। क्या क्या दिया भाई? एक बिजनेस फैब्रिक का, ये देखो ये फैब्रिक बिजनेस दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं फैब्रिक बिजनेस। फिर दूसरा एक स्टिच डिपार्टमेंट, स्टिच मतलब रेडीमेड गारमेंट्स है तो वो पहले सिलाई करके जाएगा ना, ये रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस। अब हुआ क्या, अब पॉइंट कहाँ है, अब जो स्टिच वाला है ना, अब ऑब्वियस बात है स्टिच डिपार्टमेंट जो होगा, जो सिलाई करेगा, जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाएगा, उसको पहले क्या चाहिएगा? सबसे पहले उसको, अगर मेरे को आज सपोज से मैं अगर जाता हूँ, मैं एक रेमंड्स ग्रुप के एक शोरूम पे गया जहाँ पर वो फैब्रिक भी रखते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स भी रखते हैं, मतलब कि रेडीमेड सूट भी मिलता है और सूट का कपड़ा भी मिलता है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो चॉइस है। आइदर अगर मेरी फिटिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो मैं रेडीमेड ले लूँगा, लेकिन अगर मेरी फिटिंग, क्योंकि मेरी तो खुद की फिटिंग ऊपर नीचे हो रखी, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक के बाद हैंड टू हैंड स्टिच डिपार्टमेंट को कहेंगे भैया ये तो लो फैब्रिक, मेरा नाप ले लो, आप 3-4 फीते लेके आओ ताकि मेरा नाप ले सको। फिर उसके बाद में आप ना उस हिसाब से उसको कस्टमाइज, उसको रेडी करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वहां से फैब्रिक उठाया, स्टिच वाले को दिया। क्या किया, फैब्रिक उठाया, स्टिच वाले को दिया। ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रांसफर। ये तो तब जब मैं बीइंग ए कस्टमर गया, लेकिन अगर यही बात मधुपति सिंघानिया जी के छोटे भाई हैं उनको जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियस बात है उनको रेडीमेड सूट्स भी रखने हैं। अब रेडीमेड सूट अगर उनको रखने हैं तो रेडीमेड सूट बनेगा कहां से? कपड़े से। अब आदमी जो आ रहा है वो क्या, किसके नाम से आ रहा है? रेमंड्स ग्रुप के नाम से आ रहा है। उसको नहीं पता है कि यहाँ पर स्टिच डिपार्टमेंट अलग है, यहाँ पर फैब्रिक डिपार्टमेंट अलग है। वो किसके नाम से आता है? वो आता है एक बहुत ही बड़े ब्रांड नेम के साथ, जिसका नाम है आपका, जिसका नाम है, क्या नाम है? रेमंड्स ग्रुप। अब रेमंड्स ग्रुप है उसका नाम, तो रेमंड्स ग्रुप जो उसका नाम है उसके अंदर क्या रहेगा, वो सोच के आता है कि यार रेमंड्स का तो कपड़ा लाजवाब, रेमंड्स की फिटिंग लाजवाब। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो जब आते हैं तो वो आते हैं रेमंड्स के नाम से। तो इसका मतलब जो इनके मधुपति सिंघानिया जी के जो छोटे भाई हैं उनको जब गौतम हरि सिंघानिया जी को अगर चाहिएगा कपड़ा, तो उनके पास दो सोर्स हैं, उनके पास दो सोर्स हैं। कैसे कैसे सोर्स हैं सर? मैंने कहा उनके पास दो सोर्स हैं, क्योंकि किसको पता चलता है कि ये कपड़ा रेमंड्स का है कि नहीं, ये कपड़ा रेमंड्स का है कि नहीं, क्योंकि केवल जो कपड़े वाला व्यापारी है ना, केवल वो जान सकता है कि कपड़ा कैसा है। आज हम जैसे लोग तो केवल ये देख के आते हैं फिटिंग सही आ रही है, दिखने में अच्छा लग रहा है, चाहे बाद में जाकर के पता चला धोने के बाद काला कलर वाइट हो गया, लेकिन एक बार तो हम क्या करते हैं, केवल कांच के सामने लगाया, पहना, अरे वाह यार हम तो गजब लग रहा है, बिल्कुल राजा बाबू टाइप, तो बस फिर ले लेते हैं हम। और अगर हम किसी के साथ जा रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया आज ही नहीं आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हो इसमें, तो डन, फिर उसके बाद तो कोई नो सेकंड थॉट। तो ऐसी सिचुएशन में इनके पास क्या हुआ ना, गौतम हरि सिंघानिया जी के पास दो ऑप्शन थे। क्या? आइदर वो अपने बड़े भैया से जो हैं उनसे ले ले, मधुपति सिंघानिया जी से, कि भैया आप ना मुझे, आप कपड़ा बनाते हो, आप मुझे कपड़ा देख रहे हो ना, ये कपड़ा बनते हुए फैब्रिक डिपार्टमेंट में दिख रहा है ना, ये जो धागे अंदर जा रहे हैं ना, इससे कपड़ा, इससे जो धागा है ना, ये धागा जुड़ता है और इससे ये फैब्रिक बनता है, और स्टिच डिपार्टमेंट में केवल सिलाई का काम होता है। तो उसमें हुआ क्या, उन्होंने कहा अपने बड़े भैया को, भैया आप ना मेरे को आपके यहाँ से कपड़ा दो, उन्होंने कपड़ा दे दिया। अब पॉइंट ये आता है कि शाम को जब वापस से ये लोग बैठेंगे, मैं पूरी स्टोरी फॉर्मेट में लेके चलूंगा आज इसको, आप लोगों को केवल सुनना है, बस इसको ध्यान से समझना है कि कौन सी स्टोरी, क्योंकि इससे आप ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को लिंक कर पाएंगे एक दूसरे से। तो शाम को जब ये वापस बैठेंगे, अब अगर सपोज दोनों भाई हैं, इन्होंने पूछा, अब सपोज से मधुपति सिंघानिया जी जो है इन्होंने आज पूरे दिन में केवल कोई सेल ही नहीं की, इन्होंने क्या करी, आज इन्होंने केवल और केवल अपने छोटे भाई जो हैं इनको, गौतम हरि सिंघानिया जी को, केवल इनको कपड़ा ट्रांसफर किया है, आउटसाइड में कोई सेल ही नहीं है। शाम को वापस डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो मधुपति सिंघानिया जी से पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ कि आपने क्या किया, आज आपका प्रॉफिट बताओ। तो वो कहोगा देखो पापा मैंने आज आउटसाइड की तो कोई सेल हो नहीं पाई, आज मेरी आउटसाइड की कोई सेल नहीं हो पाई, लेकिन ना मैं पापा आपको एक चीज़ बताऊं, मैं थोड़ा एक बार इसको बड़ी स्क्रीन पर ले चलता हूं आप लोगों के लिए। तो शाम को जब ये लोग बैठे, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मधुपति सिंघानिया जी को के पूछा मधुपति सिंघानिया जी से कि भाई बताओ आज का तुम्हारा मुनाफा क्या रहा। तो मधुपति सिंघानिया जी बोलते हैं पापा आज मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ क्योंकि मेरी आउटसाइड में कोई सेल नहीं हो पाई। मैंने जो कपड़ा बनाया था उसकी कॉस्ट आ रही थी 200 करोड़ और मैंने 200 करोड़ का 200 करोड़ दे दिया मेरे छोटे भाई को गौतम हरि सिंघानिया को। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर विजयपत सिंघानिया जी क्या बोलेंगे, तूने क्या कमाया मुझे वो बता। तो अब पापा मैं ना मेरे छोटे भाई से थोड़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सुन ध्यान से बात, जो तुम लोगों को बिजनेस करना सिखाया है ना मैंने, उसमें रिश्तेदारी बाद में निभाना। आपको पता है ना वो एक नॉर्मल सी कहावत सुनिए ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो यहाँ पर भी इन्होंने वही कॉन्सेप्ट लगाया, घोड़ा और घास, याद है ना धमाल मूवी में घोड़ा और घास, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब वो वापस से घास उगेगी तो घोड़ा फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी कोई उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने क्या किया कि भाई इसका मतलब तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस जीरो, मतलब कि विजयपत सिंघानिया जी ने कह दिया मधुपति सिंघानिया को तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस जीरो, तुमने आज कुछ नहीं कमा के दिया। और वहीं तुमसे 200 करोड़ में कमाने वाला आदमी तुम्हारा छोटा भाई, हाँ भाई तुमने कितना कमाया। आज तो पापा मैंने 400 करोड़ का टर्नओवर किया, उसमें से मेरे 200 करोड़ बचे। तो अगर देखो अब सीखो, तुम्हारा छोटा भाई कल 75 करोड़ कमा के आया था, आज 200 करोड़ कमा के आया। एक चीज बता बेटा, तूने आज 75 से 200 की ग्रोथ कैसे की। तो वो बोलता है पापा एक चीज सुनो, मैंने ना लास्ट वाले दिन जब मेरे 75 करोड़ का बेनिफिट हुआ था ना, तब मैंने मेरा फैब्रिक जो है वो मैंने आउटसाइड मार्केट से लिया था। अब उन्होंने 200 करोड़ का जो फैब्रिक था वो उन्होंने मेरे को 325 करोड़ का, उन्होंने 125 करोड़ का मुनाफा जोड़ के मुझे 325 करोड़ का दिया। तो मेरे लिए कॉस्ट 300 करोड़ की पड़ी, तो मेरे लिए कॉस्ट 300 करोड़ की पड़ी, 325 करोड़ की पड़ी। तो इस कारण से सेल मेरी कल भी 400 करोड़ की थी, मेरी सेल कल भी 400 करोड़ की थी, मेरी सेल आज भी 400 करोड़ की है। बस अंतर केवल एक है कि पापा कल मेरे को ना जो माल था वो बाहर मार्केट से मार्केट प्राइस पर मिला था, तो मेरे को 325 करोड़ की मेरी परचेज कॉस्ट पड़ी थी और 75 करोड़ का मेरे को मुनाफा हुआ था। आज मेरे को भैया से मैंने माल ले लिया, भैया से मेरे को 200 करोड़ में मिल गया, तो मेरे को 200 करोड़ का बेनिफिट हो गया। अब हुआ क्या, अगर यहां पर मधुपति सिंघानिया गौतम हरि सिंघानिया को माल नहीं देते तो क्या होता। तो गौतम हरि सिंघानिया जी जो हैं उनको बाहर आउटसाइड मार्केट से माल लेके आना होता और इनको आज भी वही 75 करोड़ का बेनिफिट होता। और एट द सेम टाइम जो मधुपति सिंघानिया जी हैं वो 200 करोड़ का माल बाहर बेचते, उसमें उनको 325 करोड़ का माल बिकता, तो उनको 125 करोड़ का बेनिफिट होता। तो इन शॉर्ट रेमंड्स ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, रेमंड्स ग्रुप की, तो रेमंड्स ग्रुप को तो वही बेनिफिट हो गया क्योंकि रेमंड्स ग्रुप में 125 करोड़ तो उनके बड़े भाई बेटे ने कमा लिया और 75 करोड़ छोटे बेटे ने कमा लिया, तो उनको तो बेनिफिट वहीं हो गया। रेमंड्स ग्रुप एज ए होल उनको तो 200 करोड़ का ही बेनिफिट हो गया। लेकिन यहां पर हुआ यह था कि अगर वो ऑन कॉस्ट देता है तो जो फैब्रिक डिपार्टमेंट है उस फैब्रिक डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो यहां से ट्रांसफर होकर के केवल और केवल स्टिच डिपार्टमेंट में ही हो गया और इससे परफॉर्मेंस प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं हो सकती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब पॉइंट आता है, तो सर इसके लिए करें क्या, तो भाई इसके लिए एक नया चैप्टर पढ़ के आओ, आशुतोष लाटा सर से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। तो मधुपति सिंघानिया अब अगली क्लास, अगले बैच में मेरे से मधुपति सिंघानिया जी मेरे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और मेरे को SCM की पेपर 10 की इनकी फीस मेरे को देंगे ताकि उनको ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आए और ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी बन सके, ताकि उनको बोनस मिले। अब यहाँ पर छोटा बेटा खेल गया, उसने मौज कर दी। तो ये दैट्स ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ये पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग का। अब होगा क्या, वो वहां से फैब्रिक लेगा, ये स्टिच करेंगे और फिर ये पूरा सूट रेडी हो जाएगा, और सूट के साथ साथ हमारे राजा बाबू रेडी हो चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग, ये पूरा का पूरा जो चीज है ये ट्रांसफर प्राइसिंग है। मैं एक बार आपको वापस से समझा देता हूं दोनों एग्जाम्पल के साथ, एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट डे यहां पर जो आपके मधुपति सिंघानिया जी हैं, इन्होंने 225 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि इन्होंने आउटसाइड भी सेल किया था और इंटरनल ट्रांसफर भी किया था, सारा सब कुछ के साथ इन्होंने 225 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। लेकिन नेक्स्ट डे बड़े बेटे ने कुछ नहीं कमाया, छोटे बेटे ने 200 करोड़ कमा लिए। क्यों? क्योंकि छोटे बेटे को जो माल पिछले दिन मार्केट प्राइस से खरीद के लेके आया था, वो माल आज इनको कॉस्ट में मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी परचेजिंग कॉस्ट बिल्कुल 325 करोड़ की जगह 200 करोड़ ही रह गई। तो ये पूरा का पूरा जो बेनिफिट, यही बेनिफिट, मतलब कि उसने तो 200 करोड़ कमा लिए, क्योंकि उसके लिए तो ऑन कॉस्ट पड़ गया माल, तो उसने ऑन कॉस्ट पड़ गया तो ये ले लिया। अब पॉइंट आता है कि वहां से उसने अगर वो उसने दिया होता तो वो कितने में पड़ता। अब पॉइंट है कि सर इस चैप्टर में करेंगे क्या? ये तो सर आपने बता दिया ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है। मैंने कहा इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये डिसीजन लेंगे, हम लोग ये डिसाइड करेंगे, हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि मधुपति सिंघानिया जो हैं वो अपने छोटे भाई गौतम हरि सिंघानिया को जब फैब्रिक देंगे तो वो फैब्रिक में किस रेट पर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई आउटसाइड मार्केट नहीं है, यहां आपका आउटसाइड मार्केट वाला बंदा नहीं है, यहां पर आपका इनसाइड मार्केट ही है। यह आपका इंटरनल ट्रांसफर कहलाता है और इस इंटरनल ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर। और ये जो ट्रांसफर है, इस ट्रांसफर के एवज में, अब इतना समझ में आ गया, विजयपत सिंघानिया साहब ने दूसरे ही दिन सिखा के भेजा मधुपति सिंघानिया को, देख धंधे में कोई भाई नहीं होता है, धंधा सबका एक समान, तू भी कमा के खाने के लिए बैठा है, ये भी कमाने के खाने के लिए बैठा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब तू ना अपने भाई से भी मुनाफा कमा। ऑल्दो किसी लोगों को बुरी लग रही होगी बात, लेकिन दैट्स ट्रू, ये आपके लिए ये सही बात है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हम लोगों को हमारे इंटरनल, क्यों? क्योंकि हमने भी एफर्ट्स पुट किए हैं, उस एफर्ट्स का रिवार्ड हमारे डिपार्टमेंट को भी आना चाहिए। तो यहां पर उनको बोला गया कि भैया तुम भी इससे कुछ प्राइस ओवर कॉस्ट चार्ज करो। अब पॉइंट आता है कि ओवर कॉस्ट कितना रुपया चार्ज करना है, तो इस चीज के लिए पूरी कैलकुलेशन जो है वो हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो यहां पर आपको पूरा बैकग्राउंड मैंने इसकी स्टोरी से समझा दिया, डोंट वरी। अभी हमारे पास एक और एग्जांपल है, उस एग्जांपल को लेंगे, जिससे आपको पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिएगा, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ना, आपको मेरे को देख के लग गया होगा ना कि यार ये बंदा खाने पीने का बड़ा शौकीन आदमी है, तो यहां पर कुछ उसी तरह से है। अब मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिया है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके खाने पीने से रिलेटेड ही है, क्योंकि खाने पीने की चीजें क्या है ना, हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ऑल्दो कपड़ा तो हमारे लिए शॉपिंग, मतलब अगर मैं बात करूं गर्ल्स की, तो इनको तो अगर 2 घंटे पहले कोई इनकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने इनको बोला तुम्हारे शरीर में ना शॉपिंग की कमी है, बस इनके शरीर में वो शॉपिंग की कमी हमेशा रहती है। तो और मेरे जैसे आदमी के लिए खाने की कमी हमेशा रहती है। तो मैंने अगला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने हमारे देश की नारी शक्ति के लिए दिया, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं अपने मेरे जैसे भाई लोगों के लिए देना चाहूंगा। तो भाई लोगों सुनो, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पर, यह आपको बीच में शायद मे बी वर्ड नहीं नजर आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं, अमूल के बाद में जो ब्लैक कलर का है, आई डोंट नो वो आपको विजिबल है कि नहीं, लेकिन ये है मदर डेयरी। ये अमूल, मदर डेयरी और सरस, राजस्थानी लोग सरस को या जयपुर के लोग जो हैं वो सरस को पहचानते हैं, क्योंकि इस ब्रांड से हमारे यहाँ पर दूध और दूध से बनी हुई सारे सामग्री, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, दही हो, छाछ हो, ये सारी चीज़ें हमारे को इससे प्रोवाइड की जाती है। वहीं अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना है ना ये वाली लाइन, तो अमूल। मदर डेयरी आपके दिल्ली एनसीआर के लिए मैंने लिया है, अमूल ऑल ओवर इंडिया चलता है, मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा चलता है, सरस हमारे जयपुर राजस्थान में चलता है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पर आपके लिए, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब मैं थोड़ा और टेक्निकल जाऊँगा, अभी तक तो मैंने केवल स्टोरी फॉर्मेट में चला था, अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल चलेंगे। और टेक्निकल क्या चलेंगे, आप लोगों को मैं पहले बता दूं, आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, मैं ये नोट्स नेक्स्ट राउंड में लिखवा दूंगा, नेक्स्ट जो आपका रहेगा उसमें, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आप लोगों को अगर लिखने की आवश्यकता हो तो मेरे से पहले सुन लें, पूरा वीडियो आप लोगों के साथ है, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, आई विल नॉट माइंड फॉर दैट। लेकिन टिल देन आप लोग अभी केवल कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि कोस्टिंग आसान है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कोस्टिंग आसान है, ये मेरी टैगलाइन है, आप लोगों को सबको पता है। तो कोस्टिंग आसान है, लेकिन वो तब जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप लोगों को पहले फर्स्ट लेक्चर, आप लोगों को पता है हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर हमेशा से इसी तरह का रहता है, तो फर्स्ट लेक्चर में एक बार के लिए हम लोग पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, लिखने का कार्यक्रम तो हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो अमूल दूध पीता है इंडिया, अब अमूल दूध के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट मैंने आपको गिना है ना, दूध भी है, दही भी है, छाछ भी है, पनीर भी है, घी भी है। अब ये जो पांचों प्रोडक्ट है ना, इनका बेस प्रोडक्ट क्या है? बेस प्रोडक्ट इन द सेंस ये पांचों प्रोडक्ट बनते किससे हैं? चलो दूध को तो हटा दो, लेकिन दही, छाछ, घी, लस्सी, ये सारी चीजें या पनीर, ये सारी चीजें बनती किससे है? ये एक ना एक बार ये पहले दही दूध होता है, फिर उस दूध से बनाई जाती हैं। दूध से ही दही बनाया जाता है, दूध से ही आपका पनीर बनाया जाता है। दूध को फाड़ के, दूध को मतलब कि फाड़ के उसका वो बनाया जाता है। दूध से मावा भी बनता है। तो अब ये क्या चीज है? अब इसका मतलब ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे ना आपके लिए दो डिपार्टमेंट कर दिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए दो डिपार्टमेंट कर दिए, एक दूध डिपार्टमेंट, एक आपका पनीर डिपार्टमेंट। दूध और पनीर, अब आपको पता है ना, पनीर डिपार्टमेंट और दूध डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग कार्यक्रम है। होने को अगेन एक ही ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, होने को एक ही ग्रुप है। अमूल, मैं अमूल का एग्जाम्पल को कैरी ऑन कर रहा हूं। अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल का एग्जाम्पल है। तो अमूल का दो डिवीजन है, एक मिल्क डिवीजन, एक पनीर डिवीजन। मिल्क डिवीजन, पनीर डिवीजन। आपको पता है पनीर किससे बनता है? दूध से। पनीर किससे बनता है? दूध से। तो पनीर इसका मतलब दूध से बनता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पनीर डिवीजन को दूध की जरूरत पड़ेगी। अगर पनीर डिवीजन को पनीर बनाना है तो उसको दूध चाहिएगा। अब ये दूध कहां से लाएं? अगेन दो सोर्स है, अगेन पनीर बनाने के दो सोर्स हैं, पता है ना आपको, दो सोर्स, टू सोर्स, टू। क्या दूध लाने का सोर्स? एक तो अमूल के मिल्क डिवीजन से परचेज कर लूं, एक अगर अमूल के मिल्क डिवीजन वाले ने मेरे को सही रेट नहीं दिया तो मैं बाहर से कर लूं। क्या सर बाहर से भी कर सकते हैं? हैं सर, बाहर से भी कर सकते हैं। मतलब मेरा खुद का भाई अगर बिजनेस कर रहा है, मैं उससे ना लूं, मैं बाहर से ले लूं? आंसर इज यस। ये इंडिपेंडेंट डिवीजन होते हैं, क्योंकि शाम को जब आपके पिताजी आपके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे तूने किससे लिया, वो ये पूछेंगे तूने कितना कमाया, तूने कितना कमाया। तो अब कमाने के लिए पता पड़ा बड़ा भाई तो दे रहा है 50 रुपए किलो में दूध और मेरे को बाहर से 48 रुपए किलो में 48 में ही मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? बाय बाय भैया, मैं आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि मैं माना हमारे को प्रॉफिट आपके जा रहा है, क्योंकि मैं आपसे 50 में लूंगा तो 2 रुपए का प्रॉफिट आपको ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं 48 में लूंगा तो 2 रुपए मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो मैं मेरा प्रॉफिट लूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा। तो इसलिए ये आपका डिपार्टमेंट जो है वो बाहर से भी ले सकते हैं। तो ये दोनों सोर्स हो गए। तो पहला डिपार्टमेंट क्या होगा? सप्लायर डिपार्टमेंट। और सप्लायर डिपार्टमेंट कौन होगा? अब मुझे एक चीज बताओ, पनीर डिपार्टमेंट कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, रिसिपिएंट डिपार्टमेंट, क्योंकि पनीर डिपार्टमेंट को दूध लेना है, मिल्क डिपार्टमेंट को दूध देना है। तो दूध की सप्लाई करने वाला सप्लायर डिपार्टमेंट और आपका जो पनीर है वो रिसिपिएंट डिपार्टमेंट। अब देखिएगा, ये रिसिपिएंट डिपार्टमेंट हो गया जिसमें हम पनीर, कर्ड, घी डिवीजन, मैंने इसको पनीर, कर्ड, घी डिवीजन के नाम से दिया, ध्यान से समझिएगा। अब होगा क्या? होगा ये कि जो सप्लायर है ना, मिल्क का जो सप्लायर है वो मिल्क देगा किसको? पनीर को। ये देखो जी क्या दिया, ये ट्रांसफर हुआ, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ऊपर लाइन लिखी है, इस ये लिखी है मिल्क सप्लाइड टू पनीर डिपार्टमेंट, मिल्क सप्लाइड टू पनीर डिपार्टमेंट। मतलब कि अब ये मिल्क सप्लाई करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, इसने उसको मिल्क दिया तो वो क्या करेगा? वो अब इसके एवज में इसको पैसे देगा। पैसा देगा कि नहीं देगा? ऑब्वियस सी बात है देगा। क्यों? क्योंकि उसने तो इसको अपना दूध इसको दे दिया, अब ये उसको पैसा देगा। ये गया पैसा, क्या गया? पैसा। और इसी पैसे को जो ये कंसीडरेशन दिया जाता है, इस कंसीडरेशन को जो पैसा दिया उसने, इसी पैसे को कहा जाता है ट्रांसफर प्राइस। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसफर प्राइस। तो इस तरह से आपका ये रहता है ट्रांसफर प्राइस। आपका ये यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए केवल यही है कि एक सप्लायर डिवीजन होगा जो आपको गुड्स की सप्लाई करेगा, एक रिसिपिएंट डिवीजन होगा जो उस गुड्स के एवज में आपको कुछ पैसा देगा, कुछ कंसीडरेशन देगा, और उस कंसीडरेशन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। अब पॉइंट आता है, सर इतनी सारी चीजें करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अब ऑब्जेक्टिव मुझे एक चीज बताओ, दूध डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? मिल्क डिपार्टमेंट, दूध डिपार्टमेंट नहीं, मिल्क डिपार्टमेंट, कुछ बच्चे हमारे अंग्रेजी माध्यम के हैं जिनको हिंदी समझ में कम आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फ्लेक्सिबल। मिल्क डिपार्टमेंट जो है, मिल्क डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मिल्क डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? मिल्क डिपार्टमेंट ये चाहेगा ना कि यार ये मेरा जो दूध है ये ज्यादा से ज्यादा रुपए में ट्रांसफर हो, मानते नहीं मानते? और पनीर डिपार्टमेंट क्या चाहेगा? मुझे कम से कम में मिले। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल चीज है, सपोज से मिल्क डिपार्टमेंट की कॉस्ट पड़ती है 40 रुपए लीटर। अब वो क्या चाहेगा, यार 50 में दूंगा 10 रुपए कमाऊंगा, 55 में दूंगा 15 रुपए कमाऊंगा। अरे माना उसके लिए पनीर डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है, हाँ, तो इसका मतलब इसका पॉइंट क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो उसके लिए क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर प्राइस हो। बच्चे बोलते हैं सर ज़्यादा से ज़्यादा करके क्या करेगा, वो लेगा ही नहीं, तो नहीं, वो उसको भी पता है, ये मिल्क डिपार्टमेंट को भी पता है कि मार्केट के अंदर रेट क्या है। वो क्या करेगा, मार्केट की जो रेट है उससे 1 रुपया कम तक वो पहुँचेगा कि आप क्यों, या मिल्क मार्केट तक भी पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट प्राइस और ये दोनों की अगर इंडिफरेंस है, अगर दोनों की सेम है, तो पनीर डिपार्टमेंट हमसे ही लेगा, क्योंकि हमारे घर का आदमी है, हमारे घर का आदमी है, तो वो हमसे ही लेगा। लेकिन पॉइंट क्या है, अब मैं यहाँ पर 40 रुपये की कॉस्ट का माल 42 रुपये में दे दूँ क्या, जब मेरी मार्केट प्राइस 55 रुपये हो? तो आंसर क्या होगा, नो। तो मैं क्या चाहूँगा, मेरा माल, क्योंकि अब आप इसको है ना दो, एक ही कंपनी के दो डिवीज़न मत मानो, इसको आप ये मानते हो चलो ये दो अलग अलग कंपनियाँ हैं। तो मैं क्या चाहूँगा, मिल्क डिपार्टमेंट क्या चाहेगा कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी ट्रांसफर प्राइस की। तो देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा मैक्सिमाइज रेवेन्यू, जो कि क्या होगा ऑन ट्रांसफर ऑफ मिल्क, जो कि है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट मतलब कि पनीर बनाने के लिए ये इंटरमीडिएट का काम करता है, क्योंकि ये जब जाएगा तभी उससे पनीर बनेगा। तो ये क्या चाहेगा, मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अब आते हैं, बात करते हैं पनीर डिपार्टमेंट की। पनीर डिपार्टमेंट क्या चाहेगा सर, पनीर डिपार्टमेंट तो ये चाहेगा कि भाई कैसे भी करो मुझे तो इसकी प्राइस कम से कम में मिल जाए, कम से कम में मिल जाए। क्यों? क्योंकि पनीर वाले को पता है कि मैं इससे जो पनीर बनाऊंगा वो मेरा पनीर बनेगा 60 रुपये का बिकेगा, तो वो क्या चाहेगा, यार अगर 55 में बड़े भैया ने 55 में दिया तो मैं 5 रुपये कमाऊंगा, अगर वो 50 में दे देंगे भैया तो मैं 10 कमाऊंगा, भैया अगर 45 में दे देंगे तो मैं 15 कमाऊंगा। तो पनीर डिपार्टमेंट क्या चाहेगा कि मुझे सस्ते से सस्ते में मिले, ताकि मेरे को ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा मेरे को सबसे कम कॉस्ट पे मिल जाए, ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये क्या चाहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ मिल्क। तो वो तो चाह रहा है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा में बिके, मैक्सिमाइज रेवेन्यू, ये चाहेगा मिनिमाइज कॉस्ट। ये इन दोनों के ऑब्जेक्टिव हो गए। अब ये तो हो गए इनके ऑब्जेक्टिव। अब पूरे अमूल कंपनी एज ए होल का भी तो ऑब्जेक्टिव होता होगा ना, तो पूरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आ गए अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनना मैंने जो पढ़ा रहा हूं, तो इसका ऑब्जेक्टिव सप्लायर का डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कि भैया मेरे को ज्यादा से ज्यादा रोकड़ा मिले, और वो क्या कहेगा मेरे कम से कम रोकड़ा जाए। तो अब लेकिन बात करते हैं ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव पर। अब मुझे एक चीज बताओ, सपोज से मिल्क डिपार्टमेंट जो है, मिल्क डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी है, मिल्क डिपार्टमेंट की कैपेसिटी जो है, मिल्क डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है 1 लाख लीटर बनाने की। कितनी? 1 लाख लीटर दूध पर डे बनाने की। बनाना इन द सेंस उनके पास इतनी सारी जो भी दूध देने वाले जो हैं हमारे लोग, मतलब जानवर, जैसे कि हमारी गाय हैं, भैंस है, कई बार बकरी का भी दूध आता है, तो वो है, तो उनके पास इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी हैं कि उनसे 1 लाख लीटर दूध इनको पर डे इनके पास आता है। पर डे इनके पास आने की कैपेसिटी है 1 लाख लीटर। अब पॉइंट आता है, उसको रिफाइन वगैरह कर करा के ये लोग 1 लाख लीटर बना लेते हैं। अब 1 लाख, सर रिफाइन मतलब अरे पानी वगैरह मिला के। आपको क्या लगता है डेयरी वाले दूध आपको प्योर दूध आते हैं? वो बस हमको थैली का अलग अलग कलर दिखा देते हैं, वो तो हमको लगता है अरे भाई ये वाला अच्छा वाला, तो जितना महंगा उतनी हिसाब से कम पानी वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर सपोज से मिल्क डिपार्टमेंट है, मिल्क डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है 1 लाख लीटर दूध बनाने की, इसका मतलब अगर उसकी डिमांड बाहर मार्केट में 80,000 लीटर ही है, अगर बाहर मार्केट में उसकी डिमांड 80,000 लीटर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 20,000 लीटर की कैपेसिटी उसकी स्पेयर है, और 20 लाख लीटर की जो उसकी कैपेसिटी स्पेयर है, तो वो हम क्या चाहेंगे कि यार हमारे लिए तो ऑन कॉस्ट काम हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि जो 20 लाख लीटर की जो हमारी कैपेसिटी बच रही है, वो 20 लाख लीटर की जो कैपेसिटी है वो हम लोग हमारे रिसिपिएंट पनीर डिपार्टमेंट को दे दें। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपका जो प्रोडक्ट है मिल्क डिपार्टमेंट, वो क्या चाहेगा कि भैया देखो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन माना मैं आपको ऑन कॉस्ट भी दे दूंगा, मैं आपको ऑन कॉस्ट भी दे दूंगा, लेकिन ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है कि मेरी जो प्रोडक्शन लागत है ना वो तो मैं आपसे लूंगा ही लूंगा, प्लस अगर मेरे को आपको देने के कारण से मैं कोई मेरी बाहर की सेल अगर छोड़ रहा हूँ ना, मैं अगर कोई बाहर की सेल अगर मैं छोड़ रहा हूं तो मैं आपसे उसके पैसे भी चार्ज करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन छोड़ते हैं हम लोग, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए कोई सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो हम छोड़ते हैं, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि सपोज बहुत से लोगों को पता है जो मेरे से पहले से कनेक्टेड हैं कि दैट मुझे पहले अर्लियर आई वॉज इन कैडबरी हेड ऑफिस मुंबई, पहले मैं कैडबरी हेड ऑफिस मुंबई पे था विद ए हैंडसम पैकेज, लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो मेरे को आईटीसी से ऑफर आया, फिर उसके बाद में मेरे को 2-3 महीने बाद मुझे दुबई से भी एक कंपनी से ऑफर आया जो समवेयर लगभग 28 से 30 लाख इंडियन रुपीस का था। अब उसको छोड़ के मैंने टीचिंग में आने का सोचा, उसको छोड़ के मैंने मेरे पैशन को सेलेक्ट किया जो कि मेरा था टीचिंग, तो मैंने यहाँ पर आने का सोचा। तो यहाँ पर मुझे क्या लगा कि भाई अब मेरे लिए, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर मेरे लिए क्या होगा? अगर मैं 20 लाख रुपए टीचिंग से कमा रहा हूँ तो क्या मैं प्रॉफिट में हूँ? आंसर इज नो, मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं टीचिंग में नहीं आता तो आप उस चीज़ को सेटिस्फैक्शन को सैड करो, सेटिस्फैक्शन की वैल्यू नहीं कर रहा मैं, ओनली फाइनेंशियल कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियली मुझे वहाँ 28 से 30 लाख रुपए मिल रहे थे, यहाँ मुझे 20 लाख रुपए मिल रहा है, तो इसका मतलब मुझे अभी भी 8 लाख का लॉस चल रहा है। रीजन क्या हुआ? क्योंकि मैंने उस 28 लाख को एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रीट किया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रीट किया तो मेरे लिए अब टीचिंग में आना मेरे लिए क्या कॉस्ट है? हाँ, माना जो मेरी सॉफ्टवेयर वगैरह ये सारी चीजें ये मेरे लिए कॉस्ट है, लेकिन 28 लाख रुपए जो है ये भी मेरे लिए कॉस्ट है, इसको भी मैं कॉस्ट में कंसिडर करूंगा। तो अगर मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूं तो इसका मतलब मैं अभी तक भी प्रॉफिट में नहीं हूं। माना मैं मेरे बुक्स में देख करके मैं राजी हो सकता हूं, अरे मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, रे कोई दिक्कत नहीं है, मौज कर रहे हैं अपन, लेकिन एक्चुअल में मैं अभी भी 8 लाख के लॉस पर हूं। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मिल्क डिपार्टमेंट है वो क्या चाहेगा कि भैया मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन मैं मेरी एक्सटर्नल जो सेल है ना, मैं उसको छोड़ के आपको ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा तो पनीर डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? नहीं भैया, नहीं भैया, मेरे को तो आपसे ही लेना है दूध। तो बोलेगा तो फिर एक काम सुन, मेरी 80,000 की मेरी एक्सटर्नल मार्केट में सेल है, 20,000 यूनिट तक तो मैं तेरे को दे सकता हूं, उसमें तो मैं ऑन कॉस्ट भी दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक्सटर्नल सेल्स अफेक्ट नहीं कर रही। अब मेरी जब एक्सटर्नल सेल्स अफेक्ट नहीं करेगी ना, जब मेरी एक्सटर्नल सेल्स अफेक्ट नहीं करेगी तो उसके बाद में क्या होगा? फिर तो मेरे को जो कॉस्ट लग रही है वो दे दे, मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर तेरे को नहीं दूंगा तो भी मेरी 20,000 की जो कैपेसिटी है वो स्पेयर जाएगी, लेकिन अगर तेरे को चाहिए तो मैं 20,000 तेरे को ऑन कॉस्ट दे दूंगा, तो तेरे लिए क्या होगा? तेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने तेरे को ऑन कॉस्ट दिया ना 40 रुपए में, तो तेरे लिए अगर 60 रुपए का पनीर निकलेगा तो तेरे को 20 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे को बाहर से मैंने कह दिया कि मैं तो तेरे लिए नहीं बना रहा, मैं तेरे को नहीं बना के दूंगा, तबकि मेरी कैपेसिटी है, मैं तेरे को 20,000 लीटर दे सकता हूँ दूध, लेकिन मैं नहीं दे रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? पूरे अमूल डिपार्टमेंट को, पूरे अमूल की जो कंपनी है उस कंपनी एज ए होल को लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंपनी एज ए होल को इसलिए लॉस होगा क्योंकि पनीर डिपार्टमेंट बाहर से परचेज करके लाएगा 50 रुपए में, तो उसको 10 रुपए का ही प्रॉफिट हो पाएगा। और वहीं अगर मिल्क डिपार्टमेंट की हम स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेते तो हमारे को स्पेयर कैपेसिटी के यूटिलाइज करने से पूरे अमूल कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ता और हमारे पनीर और घी डिपार्टमेंट का भी प्रॉफिट बढ़ता। तो हमारे लिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? आपका कंपनी के ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखना, ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखना। दूसरा रहेगा हमारे जो स्पेयर कैपेसिटी है उसको, हर एक डिपार्टमेंट की स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करना, ये कंपनी का उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, अब ऑब्वियस बात है पूरी कंपनी क्या चाहेगी, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, तो ये कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको सबको समझ में आ गया होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट। जो आपको ये पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग, यही है ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या किया? सप्लायर डिपार्टमेंट ने उसको दूध ट्रांसफर किया, मिल्क ट्रांसफर किया, उसके कंसिडरेशन में उसने उसको पैसा दिया, और जो पैसा उसने उसको दिया उसे कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हर एक जगह का ऑब्जेक्टिव अलग है। मिल्क डिपार्टमेंट चाहेगा कि उसको ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है मैक्सिमाइज करना, उसका रेवेन्यू, उसके लिए वो उसका ऑब्जेक्टिव है। पनीर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि भैया मिनिमाइज करना कॉस्ट को, और कंपनी एज ए होल का बेनिफिट है कि हम पूरी कंपनी एज ए होल का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्पेयर कैपेसिटी को हम यूटिलाइज करें, प्लस हमारा ऑप्टिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये है हमारे लिए चीज़, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग कॉन्सेप्ट। आई होप सो गाइज आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बेसिक माइंड क्रिएट हो चुका होगा अब आपका। अब बात करते हैं, अब हमारे लिए चीज़ क्या है सर? प्राइस आप कॉस्ट पे भी चार्ज कर लेते हो, ट्रांसफ़र में प्राइस आप कॉस्ट से ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हो। तो सर पॉइंट ये है सर, फिर अगर आप मार्केट प्राइस भी अगर आप इंटरनल ट्रांसफर से चार्ज कर सकते हो तो सर फिर इस कंसीडरेशन को ट्रांसफर प्राइस क्यों बोलते हो? इस कंसीडरेशन को ट्रांसफर प्राइस मत बोलो सर, इसको सेल प्राइस बोलो सर। तो बच्चे ने बोला सेल प्राइस बोलूं? अच्छा, मैं कहा बेटा तेरे को सेल प्राइस और इंटरनल ट्रांसफर का अंतर पता है? मगर नहीं सर नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है अगर सर माल अगर हम किसी को देते हैं, बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या बोला तूने, वापस बोल। माल अगर बेचते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर बेशक इसको हमने माल देने को हम लोग सेल का फॉर्मेट ही है, सेल का फॉर्मेट ही है कि हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, हमारे यहाँ से जो गुड्स है वो जा रहा है, लेकिन ये अभी तक हमारी कंपनी में ही घूम रहा है, ये हमारी कंपनी में ही घूम रहा है, बाहर आउटसाइड मार्केट को नहीं गया। तो किसके पास गया? ये गया हमारी कंपनी के पास ही। तो अब हम लोग इसके डिफरेंस देखेंगे, किसके? सेल के और ट्रांसफर के। भाई सेल के और ट्रांसफर के डिफरेंस क्या है सर? सेल के और ट्रांसफर के डिफरेंस ये है कि अगर आप सेल करते हो ना तो आपका जो गुड्स है ना वो अल्टीमेट कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसफर के केस में तो वहां पर आपका इंटरनल डिपार्टमेंट में ही ट्रांसफर है, तो इसका मतलब वो कंपनी के अंडर में ही है, अभी तक कंपनी के यहीं पर ही है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं बात करूं प्रॉफिट रियलाइजेशन की, तो प्रॉफिट रियलाइजेशन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो जब अगर मैं सेल करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो बेशक ट्रांसफर करने वाले सप्लायर को तो प्रॉफिट होगा, लेकिन कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब सेल करूंगा तो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट है, सेल नहीं करूंगा तो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं है। ट्रांसफर के केस में तो कंपनी के हाथ में कैसे प्रॉफिट होगा? सर एक एग्जाम्पल दो। मैंने कहा 40 रुपये का दूध आता है, कॉस्टिंग मेरी 40 रुपये, पनीर बिकता है 60 रुपये का। 40 रुपये का जो दूध है अब वो मेरे को कितने का देगा? सपोज से 40 रुपये का दूध है, 40 रुपये का दूध डिपार्टमेंट ने मेरे को दिया 48 रुपये में, 48 रुपीज़ में उसने मेरे को दिया। तो उसने कितना रुपया कमाया? 8 रुपया। कितना कमाया? 8 रुपया। अब उसने 48 में उसको दिया, उसने 48 को चीज़ को 60 में बेच दिया, उसने कितना कमाया? 12 रुपया, 12 रुपीज़। तो 8 रुपये उसने कमाए, 12 रुपये उसने कमाए, कितने हो गए टोटल? पूरी कंपनी का प्रॉफिट बताओ, 20 रुपये। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर सपोज से मिल्क डिपार्टमेंट इसी चीज को 45 में देता, तो 45 में देता 48 की जगह, तो ट्रांसफर मिल्क डिवीजन को 5 रुपए का प्रॉफिट होता, वहीं पनीर डिवीजन को कितना प्रॉफिट होता? 45 की चीज 60 में बेचता तो उसको 15 का, तो कंपनी एज ए होल का प्रॉफिट 20। इससे क्या हुआ सर? इसका मतलब तो ये हो गया सर ट्रांसफर प्राइस 48 रखी थी, 48 रखी थी तो भी कंपनी एज ए होल को 20 का प्रॉफिट, ट्रांसफर प्राइसिंग 45 रखी तो भी कंपनी एज ए होल को 20 का प्रॉफिट। सर ये क्या चीज है, क्या चक्कर है सर? प्राइस तो चेंज हो रही है लेकिन आपके प्राइस चेंज के कारण से कंपनी के प्रॉफिट पे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि जो ट्रांसफर प्राइस है ना दैट इज बेसिकली नोशनल प्राइस, वो बेसिकली नोशनल प्राइस है, तो वो बेसिकली नोशनल प्राइस है, इसलिए कंपनी एज ए होल के प्रॉफिट पर ट्रांसफर प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर इसने ट्रांसफर प्राइस ज़्यादा चार्ज कर ली तो ये वाला मेरे लिए, तो ये डिवीज़न ज़्यादा कमा लेगा, ये डिवीज़न कम कमा लेगा, इसने ट्रांसफर प्राइस कम चार्ज की तो ये कम कमा लेगा, ये वाला डिवीज़न ज़्यादा कमा लेगा, तो कंपनी एज ए होल के लिए तो बेनिफिट हो जाएगा ना। अब पॉइंट आता है तीसरी चीज़ कि गुड्स जो है वो गुड्स किसके हाथ में जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है अगर मैं सेल करूँगा तो गुड्स की ऑनरशिप है वो किसके हाथ में जाएगी? वो जाएगी कस्टमर के हाथ में। लेकिन अगर यही ट्रांसफर होगा तो क्या ये अमूल का अमूल में ही रह जाएगा क्या? तो ऑनरशिप किसकी? अमूल के पास ही रह जाएगी। बस हाँ ये है कि अमूल के मिल्क डिवीजन की जगह अमूल के पनीर डिवीजन की अब हो जाएगी ऑनरशिप। लेकिन अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सर, मुझे एक चीज बताओ, अगर सपोज से मैंने ना, आपको पता है हर एक जो ब्रांड है, अमूल हो चाहे मदर डेयरी हो चाहे सरस हो, इन सब की क्या वो मदर डेयरी के जो हेड ऑफिस है, क्या वो लोग घर घर जा जाके बेचते हैं दूध? आंसर इज नो, वो लोग घर घर जाके नहीं बेचते हैं। तो फिर कौन बेचता है? हर एक जगह पर सर डेयरी बूथ बनाए हुए हैं, डेयरी बनाया हुआ है, उनको वो लोग कमीशन देते हैं कि तुम दूध बेचो, तुमको 2 रुपए का मुनाफा होगा। इसके लिए उन्होंने सेल्स एजेंट लगाए हुए हैं कि भाई सेल्स एजेंट जाकर दूध की डेयरी वालों से बात करेंगे, अरे हमारा प्रोडक्ट भी बेचो, हम आपको 2 रुपए का प्रॉफिट देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो एजेंट ने जो ऑफर दिया, इसको बोलते क्या है, ये बेसिकली है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे आउटसाइड मार्केट में सेल करना है, अगर मुझे आउटसाइड मार्केट में सेल करना है, तो क्या मेरा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगेगा क्या? आंसर इज बिग यस, यस। लेकिन मेरा पॉइंट है आप लोगों से, क्या मैं मिल्क डिवीजन से पनीर डिवीजन को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो क्या मुझे किसी एजेंट की जरूरत है? क्या मुझे किसी एजेंट की जरूरत है कि हाँ भैया इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में जाएगा? आंसर इज नो। तो जब नहीं है तो इसके अंदर क्या होगा, तो ट्रांसफर के केस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं लगता है। तो ये लीजिए जी, आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है कि यहां पर क्या है। पहला बेसिस ट्रांसफर ऑफ गुड्स। क्या हुआ कि गुड्स रिचेज इन दी हैंड्स ऑफ कस्टमर। अगर सेल करते हैं तो कस्टमर के हाथ में जाता है गुड्स, ट्रांसफर करते हैं तो गुड्स रिमेन विद इन द कंपनी, तो वो कंपनी के हाथ में ही रह जाता है। प्रॉफिट रियलाइजेशन की बात करते हैं तो सेल के केस में कंपनी को प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा, तो प्रॉफिट वुड बी रियलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एज वेल एज डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट ने, पनीर डिपार्टमेंट ने अगर सेल किया आउटसाइड मार्केट में, तो पनीर को भी प्रॉफिट हुआ और कंपनी एज ए होल को भी प्रॉफिट हुआ। लेकिन ट्रांसफर के केस में क्या होगा, प्रॉफिट वुड नॉट बी रियलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। हाँ, ट्रांसफरर के केस में, ट्रांसफर जो ट्रांसफरर है उसको प्रॉफिट हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हो जाएगा ट्रांसफर के केस में, लेकिन कंपनी एज ए होल को प्रॉफिट नहीं होगा। तीसरा, टाइटल ऑफ गुड्स। तो ऑनरशिप ऑब्वियसली बात है सेल के केस में कस्टमर को चल जाएगी, और ट्रांसफर के केस में वही जो चीज है वो आपके कंपनी के पास ही रह जाएगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट डिफरेंस इज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा, मैंने इसको आप लोगों के लिए हाईलाइट किया हुआ है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हाईलाइट किया हुआ है? क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसके बहुत बार इसका पॉइंट रेज होने वाला है। तो पॉइंट क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल हैव टू इनकर, एग्जाम्पल कमीशन हुआ, ब्रोकरेज हुआ, ये सेल के केस में हमको करना पड़ता है। लेकिन ट्रांसफर के केस में नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर बाय सप्लाई डिवीजन। सप्लाई डिवीजन के लिए कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट नहीं लगता है। दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारा जो पॉइंट है सेल एंड ट्रांसफर, ये वाला, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमें पता चल चुका है। अब पॉइंट आता है सर, ये तो चीज हो गई, अब सर हमें ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, ट्रांसफर प्राइस का डिफरेंस भी समझ में आ गया। अब हमारे को समझना यह है कि सर आखिरकार पर्पस क्या क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग के, और ये सारी चीज़ें। तो उससे पहले मैं एक बार के लिए मेरा जल पान का ब्रेक ले रहा हूँ, पहले हम जल पिएंगे, फिर उसके बाद में आपसे वापस कनेक्ट होंगे। मैं आप लोगों के लिए फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोग चाहें तो फुल स्क्रीन से इसके नोट डाउन, अगर आपको करने की इच्छा हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए फुल स्क्रीन पर कर दिया है। जिसको भी कॉपी करना है वो इसको पॉज करके कॉपी कर सकता है, वीडियो को पॉज कर लें और कॉपी कर सकते हैं। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मीनिंग एंड पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, कि भैया क्या तो मीनिंग है इसका, क्या पर्पस है ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने का, तो देखेंगे। सबसे पहला, अब थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है ट्रांसफर प्राइस मींस, क्या है ट्रांसफर प्राइस। मैंने पूरा सिनेरियो आप लोगों के माइंड में क्लियर कर दिया, अब मैं इसको आप लोगों के साथ केवल डिक्टेट करूंगा, क्योंकि ये अब पॉइंट जो है वो पूरा सिनेरियो आप लोगों के लिए क्लियर है। बस अब आप लोगों को केवल इसका डेफिनेशन पार्ट समझना है, बाकी और कुछ नहीं है। बस थोड़ा टेक्निकल टर्म आएगी जिसको हम लोग समझेंगे। क्या लिखा है, ट्रांसफर प्राइस मींस प्राइस विच इज टू बी प्लेस्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने अलग से इसको अलग कलर में लिया है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज, सर सर्विसेज भी ट्रांसफर होती है, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं होती है, सर कैसे होंगी, मैंने कहा आ जाओ आप। अब आप सपोज से स्टिच डिपार्टमेंट है, स्टिच डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट है, अगेन स्टिच में भी सब हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, सब डिवाइड कर दिया उन्होंने, डिवाइड किया। तो अब स्टिच डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट थे, क्या, एक डिपार्टमेंट तो वो था जो केवल सिलाई करता था और एक डिपार्टमेंट वो था जो बटन लगा करके उसको प्रेस करके उसको पैक करता था। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर बटन लगा करके प्रेस करने वाले एक डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर सर्विस क्या हुई, वो जो सिल करके दे रहा है ना वो उसके लिए इंटरनल सर्विस है। या इसके अलावा अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, सपोज से मैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं टैक्स ऑडिट करता हूँ, अब टैक्स ऑडिट मैं करता हूँ, टैक्स ऑडिट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक कंपनी की टैक्स ऑडिट करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या है ना उसके अकाउंट्स चेक करना है कि उसके टैली के अंदर उसका डेटा कैसा है। अब मुझे बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने अकाउंटिंग करे हुए मुझे जमाना हो गया, मुझे अब आज की तारीख में टैली नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे ऑफिस के जो दूसरा स्टाफ है, जो मैंने ऑफिस के अंदर अकाउंट्स टीम बैठा रखी है, उस अकाउंट्स टीम के एक बंदे को बुलाऊंगा, यार भैया आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ बैठो, मेरे को आपकी सेवाओं की ज़रूरत है। सर क्या ज़रूरत है, मैंने कहा हमारे को ना, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊँ वैसे वैसे अकाउंट्स खोलते जाना और मेरे को समझाते जाना कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ है। तो ये जो अकाउंट्स टीम का जो सर्विसेज है, ये इसे बोलेंगे इंटरनल ट्रांसफ़र। तो इसका मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों ट्रांसफ़र होती हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को। तो एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट को सेवा या गुड्स ट्रांसफर किया जाता है, उसके एवज में कोई पैसा लिया जाता है, उसे ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट जो होगा विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब कि अमूल का पनीर डिपार्टमेंट ही अमूल के दूध डिपार्टमेंट से डील कर रहा है, ऐसा नहीं, अमूल का पनीर डिपार्टमेंट मदर डेयरी के दूध डिपार्टमेंट से डील कर रहा है। होने को दो डिवीजन है लेकिन अलग अलग कंपनी के डिवीजन है। तो यहां पर प्राइस इज टू बी प्लेस्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट within the same organization. For example, production department of any company transfer goods to marketing division to pack and sell or in open market. Production department है, production department कहता है कि भैया goods को pack करो और आगे transfer कर दो। Purpose क्या होगा? अब purpose obvious सी बात है, जो चीज़ हम लोगों ने बोली है, to evaluate the performance of each डिपार्टमेंट इंडिविजुअली, हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली अगर हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो उसके लिए हम लोगों ने इसका पर्पस है ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करने का। अब कुछ पॉइंट है यहां पर, अब पॉइंट यहां पर क्या आएगा कि सर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर मुझे एक चीज बताओ, आप खुद सोच के बताना, अगर ट्रांसफर हो रहा है तो जो ट्रांसफर प्राइस है, वो ट्रांसफर प्राइस सप्लायर डिविजन के लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, या मतलब रेवेन्यू होगा, क्या होगा? तो इसका मतलब सप्लायर मतलब कि मिल्क डिपार्टमेंट, के लिए दूध उसको आगे ट्रांसफर करना, मिल्क उसको आगे ट्रांसफर करना, इसके एवज में ट्रांसफर प्राइस लेना। तो ये क्या है, ये मिल्क डिपार्टमेंट के लिए रेवेन्यू है। लेकिन यही चीज अगर मैं उसके पनीर डिपार्टमेंट के एस्पेक्ट से बात करूं तो पनीर डिपार्टमेंट के लिए एक कॉस्ट है, क्यों? क्योंकि मिल्क डिपार्टमेंट को पैसा आएगा तो उसके लिए रेवेन्यू है, पनीर डिपार्टमेंट से पैसा जाएगा तो उसके लिए कॉस्ट है। तो पहला पॉइंट, ट्रांसफर प्राइस विल बिकम रेवेन्यू फॉर ट्रांसफरिंग, जो है ट्रांसफरिंग डिवीजन जिसे हम सप्लायर कहते हैं उसके लिए तो रहेगा रेवेन्यू, एंड कॉस्ट फॉर ट्रांसफरिंग डिवीजन, और ट्रांसफरिंग डिवीजन के लिए रहेगा ये कॉस्ट। क्या रहेगा? कॉस्ट। अब बात करते हैं इसके अलावा, सर ये जो प्राइस है, मैंने आपको बताया था ना कि दूध वो 48 में बेचेगा तो 8 का प्रॉफिट इसको, 12 का इसको, दोनों मिलाकर के टोटल प्रॉफिट 20 कंपनी एज ए होल को। 45 में बेचेगा तो 5 का इसको, 15 का इसको, टोटल कंपनी एज ए होल 20। इसका मतलब यह है ट्रांसफर प्राइस जो है उसे नोशनल प्राइस बोलेंगे, क्योंकि हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ध्यान से सुनना मैंने क्या शब्द बोला, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वहां पर यह कोई सेंट्रलाइज्ड नहीं है, एक डिवीजन का डिसीजन वही डिवीजन लेगा, दूसरे डिवीजन का डिसीजन वही डिवीजन लेगा। और इससे यह हुआ कि उसने अगर वो 45 में देगा तो हमारे लिए 15 का प्रॉफिट हो जाएगा, वो 48 में देगा तो हमारे लिए 12 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो अपनी प्राइस खुद से डिक्टेट करेगा, खुद से बताएगा कि उसको क्या प्राइस रखनी है, और इसी के बेसिस पर हमारी कंपनी एज ए होल का प्रॉफिट तो सेम रहेगा। हाँ, बस यह है कि डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट चेंज होता जाएगा। तो क्या है, ए ट्रांसफर प्राइस इज दैट नोशनल प्राइस। क्या बोला? ध्यान से सुनना वर्ड, ट्रांसफर प्राइस इज दैट नोशनल प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफरिंग बिटवीन ए डिवीजन इन ए डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर सेंट्रलाइज्ड डिसीजन नहीं लिए जा रहे। इसका मतलब हर एक डिवीजन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन ले नीचे लिखा है ट्रांसफर प्राइस इज नोन एज नोशनल प्राइस। क्यों? क्योंकि बिकॉज हाई ट्रांसफर प्राइस अगर 48 रुपए हुए तो वुड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरिंग डिवीजन, तो उसका प्रॉफिट 8 रुपए कर देगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली रिड्यूस कर देगा प्रॉफिट डिपार्टमेंट जो ले रहा है उसका, तो उसका प्रॉफिट क्या कर देगा, 12 रुपए कर देगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका जस्ट अपोजिट कि अगर उसका कॉस्ट कम होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो इसका कॉस्ट प्रॉफिट कम होगा। सिंपल है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको मैंने एक एग्जांपल से भी समझाया है कि वाई ट्रांसफर प्राइस इज नोशनल प्राइस ऐसा क्यों बोला गया है। ऑल दो मैंने आपको समझा दिया, कि भैया देखो 48 रुपए अगर इधर हो रहे हैं तो इसका 8 का प्रॉफिट होगा, इसका 12 का प्रॉफिट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में 8 और 12 तो दोनों कंपनी का तो 20, 45 में बेचेगा तो 5, 15, 20। तो वही चीज बताइए मैंने, वाई ट्रांसफर प्राइस इज नोशनल प्राइस, क्यों बोला गया है ट्रांसफर प्राइस को नोशनल प्राइस। तो डिपार्टमेंट 1 है, ये क्या करता है, डिपार्टमेंट 1 दूध दे रहा है आगे डिपार्टमेंट को, ट्रांसफर कर रहा है 200 रुपए में। कितने में ट्रांसफर कर रहा है? 200 रुपए में। लेकिन अब इसका खुद का भी तो कोई खर्चा लगेगा ना, लग रहा है ना, कितना, 100 रुपया। इसका 100 रुपये का खर्चा लगा, तो 200 में इसने ट्रांसफर किया, 100 में इसने, 100 की इसकी कॉस्ट थी, तो इस डिपार्टमेंट का बेनिफिट कितने का हुआ सर, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100 रुपये का इसका बेनिफिट है साहब, तो प्रॉफिट 100। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट 2 की। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो डिपार्टमेंट 1 ने जो 200 रुपए में ट्रांसफर किया, क्या ये डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट होगी। अब वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट ने वहां से दूध लिया, अब दूध से पनीर बनाएगा तो उसको कुछ तो खर्चा उसको खुद को भी लगाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है दूध आया एज इट इज बेच दिया। उसको दूध से पनीर बनाना है, तो दूध से पनीर बनाने में उसका भी कुछ खर्चा लगेगा। तो इसका मतलब उसके पास 2 खर्चे हो गए, एक तो दूध जो उसने लेके आया वो एक, दूसरा दूध से पनीर बनाएगा वो, फिर उसने पनीर बनाया फिर उसको बेचा। अब यहाँ पर सपोज से इसने ना इसको जो आगे है इससे दूध से पनीर बनाया और उस पनीर को 500 रुपये में बेच दिया, तो सेल। अब इसको बोलेंगे सेल, ध्यान रखना। अब बोला है मैंने सेल, वहाँ बोला था मैंने ट्रांसफर प्राइस, यहाँ बोला मैंने सेल। क्यों? क्योंकि अब ये डिपार्टमेंट 2 अल्टीमेट कस्टमर को बेचेगा, अब अल्टीमेट कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, अब ये उसको बेचेगा, तो सेल हो गई इसकी ये। अब पॉइंट आया कि इसके पास 2 कॉस्ट है, एक तो ये, कौन सी, एक तो ये वाली कॉस्ट जो इसको इधर से आ रही है, तो 200 रुपये तो इसको ये वाली कॉस्ट हो गई, प्लस इसकी खुद की भी, दूध से पनीर बनाएगा तो 200 रुपये इसके खुद के लग गए, तो 500 में से 400 रुपये लेस कर देंगे, तो डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट क्या हुआ, 100 रुपये। लेकिन अगर मैं वही कंपनी एज ए होल की बात करूं, तो कंपनी एज ए होल के लिए क्या खर्चा हुआ सर, 500 का सेल हुई है, पूरी कंपनी एज ए होल की बात करूं, 500 की सेल हुई है, 2 कॉस्ट लगी है सर, ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। सर ट्रांसफर को क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा ट्रांसफर तो ये लोग अपने अदला बदली कर रहे हैं, ये लोग अपने अदला बदली कर रहे हैं, बाकी ट्रांसफर की कोई कॉस्ट थोड़ी थी। कॉस्ट तो दूध बनाने की और दूध से पनीर बनाने की, ये 2 ही तो कॉस्ट है, इसके अलावा कोई कॉस्ट है ही नहीं कंपनी एज ए होल की बात करें तो कंपनी एज ए होल के लिए क्या होगा, ओवरऑल कंपनी का सेल्स 500, डिपार्टमेंट 1 में कॉस्ट लगी 100, डिपार्टमेंट 2 में कॉस्ट लगी 200, तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट 200। अब आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट 100, डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट 100, ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट 200, ओवरऑल कंपनी का 200। एग्जाम्पल चेंज, डिपार्टमेंट 1, एग्जाम्पल चेंज हो गया, ट्रांसफर प्राइस 200 की जगह 150 कर दी। अब मैं अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर ट्रांसफरर जो है, जो सप्लायर डिवीजन है, वो अगर कम रुपए चार्ज करेगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरे का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 150 है, कॉस्ट तो अभी 100 ही रहनी है, कॉस्ट तो दूध की अभी भी 100 ही रहनी है, तो भैया बच गया कितना, बच गया इनका प्रॉफिट 50 रुपये का, इनका प्रॉफिट बच गया 50 रुपये का इनके पास। अब लेकिन ये क्या होगा, अब की बार 200 रुपये आगे कॉस्ट नहीं बनेगी, अब की बार कॉस्ट बनेगी वहां पर जाकर के 150, 150 रुपीज की कॉस्ट। तो डिपार्टमेंट 2 के अंदर कॉस्ट कितनी बनी, सेल्स 500, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ए 150, 150 कहां से, ये जो यहां से आया, ये खुद की कॉस्ट 200, प्रॉफिट क्या हुआ 150। देख रहे हो आप, देख पा रहे हो क्या आप, ये देख पा रहे होंगे जब ट्रांसफर प्राइस 200 रुपये थी तो दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 100 था, अब 200 की जगह 150 हो गई, तो इसका मतलब उसने अपनी ट्रांसफर प्राइस कम की, तो इसका प्रॉफिट 100 जो था वो तो हो गया 150, और इसका जो 100 था वो हो गया 50। तो इन शॉर्ट अगर ओवरऑल कंपनी की बात करूँ तो सेल 500, खर्चा अगर अभी भी वही, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट 200। ओ तेरी, ये क्या हुआ सर, ऊपर भी 200 नीचे भी 200, सर इसका मतलब तो ट्रांसफर प्राइस से तो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने कहा आंसर इज यस, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो बोला गया है ट्रांसफर प्राइस को नोशनल प्राइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए रिलेवेंट है। ये आपको आना चाहिए कि ये नोशनल प्राइस क्यों बोला गया है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, डोंट वरी, आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसका एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ये आपको क्या है ना, फिर ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ने का कुछ तो बेनिफिट होगा ना, तो वो ये बेनिफिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आपको कहीं पे भी डाउट आए ना, पूछ लेने का। यू आर जस्ट ओनली ए सिंगल मैसेज अवे। ध्यान रखिएगा, आप लोग केवल एक मैसेज दूर हैं मेरे से। आप लोग इमीडिएटली कोई भी डाउट आए इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल की जरूरत पड़े कॉल करो, जैसे चाहे वैसे करो, लेकिन बस कॉन्सेप्ट में हिला डुला नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एग्जाम के अंदर हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना है क्योंकि कोस्टिंग आसान है, और कोस्टिंग आसान है तो बस। तो अब लेते हैं एक सेकंड के लिए आप लोगों का थोड़ा ब्रेक। माइंड में हम लोग करते हैं इसको रिकैप, हम लोगों ने क्या किया शुरू से आज तक अभी तक, क्योंकि आप लोग इतनी देर से कंटिन्यूसली सुने जा रहे हैं। और मैं मेरे साथ ना ये इतना बोरिंग वाला क्लास नहीं होता है, ऑल्दो बोरिंग नहीं रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट बैक टू बैक बढ़िया बढ़िया आ रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग कर रहे थे। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था रेमंड्स का, देन उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दिया अमूल का। वहाँ मैंने आपको पूरा चार्ट समझाया कि भैया सप्लायर डिवीजन इसको ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफर है, वो इससे जो पैसा देगा उसको ट्रांसफर प्राइस बोलेंगे, कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट बताया। फिर मैंने आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताए कि ट्रांसफर प्राइस का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर नोशनल प्राइस है, नोशनल प्राइस क्यों बोला गया है ये मैंने बताया। अब हम लोग देखेंगे असली चीज़ जो कि हमारे एग्जाम में जिसके बेसिस पर अब पॉइंट आता है कि सर 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 ओ सर सुनो ना, अब बताओ सर मेथड्स क्या होंगे, मेथड्स मतलब कैलकुलेट कैसे करें सर ट्रांसफर प्राइस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करने के कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, और उन कुछ कुछ मेथड्स को हम लोगों ने ना 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है, कैटेगरी 1। अब इस कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ये 3 कैटेगरी में मैंने इनके मेथड्स को डिफाइन किया है या मेथड्स को बाइफरकेट किया है 3 अलग अलग कैटेगरी में। सर 3 अलग अलग कैटेगरी कौन सी है? मैंने कहा पहली कैटेगरी सुनो आप पहले, सबसे पहले कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, यूजिंग कॉस्ट और एनी वेरिएंट ऑफ कॉस्ट विद और विदाउट मार्कअप। विद और विदाउट मार्कअप मतलब कॉस्ट बेस्ड का अर्थ क्या हुआ, जब कोई भी आप आपके ट्रांसफर प्राइस को निकालने के लिए जब बेस कोई भी कॉस्ट और एनी वेरिएंट ऑफ कॉस्ट। सर ये एनी सर कॉस्ट समझ में आता है, सर ये एनी वेरिएंट समझ में नहीं आता। मैंने कहा अभी आएगा। वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्या ये कॉस्ट के वेरिएंट नहीं है? क्वेश्चन कहता है मैं वेरिएबल कॉस्ट मेरी 100 है, मैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट 100, उसका 20% प्रॉफिट 20, 120 में बेच ले भैया, 120 में ट्रांसफर कर ले। ये हो गया आपका विद मार्कअप, इसे बोलेंगे विद मार्कअप। और वेरिएंट क्या लिया? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, आप लोगों को पता है ना वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हर एक मतलब कि यूनिट्स के चेंज होने से चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लगता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो दोनों सेम ही हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट, अब क्वेश्चन कहता है आपको मार्जिनल कॉस्ट प्लस 20%, तो कर लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे, उसका 20% कर देंगे। क्वेश्चन कहता है टोटल कॉस्ट प्लस 20%, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, उसका 20% जोड़ देंगे, खत्म। बस इतना सा है। इसके अलावा कई बार आपको मार्कअप जो है वो आपके नेटवर्थ के बेसिस पर भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि सपोज आपकी 200 रुपये की आपकी कॉस्ट आ रही है, क्वेश्चन ने कहा 200 रुपये पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ रही है। क्वेश्चन कहता है हमको 10% प्रॉफिट कमाना है 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड पर, तो 10 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 10% कितना कमाना है? 1 लाख रुपए। अब बेच रहा कितनी हूँ? सपोज से मैं 100 यूनिट और 1000 यूनिट बेच रहा हूँ, तो 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है 1000 यूनिट पर। डोंट वरी, मैं ये चीज़ें बहुत डिटेल्ड में जब मैं नोट्स लिखाऊंगा ना, इसके हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट भी, और मैं अभी इसके पूरे हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, मतलब कि आपका टोटल कॉस्ट वाइज लेंगे, फिर और भी मेथड्स आएंगे उसके बेसिस पर लेंगे, हर एक बेसिस टॉपिक वाइज लेंगे हम लोग क्वेश्चन। आपको पता है ना मेरी बुक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हर एक चीज़ हम लोग हमारी बुक में ही कवर कर लेते हैं। हमारी बुक के अंदर एसएम मिल जाएगा, हमारी बुक में आपको आरटीपी मिल जाएगी, एमटीपी मिल जाएगी, वर्कबुक मिल जाएगा आपका, फिर एक और एक पास्ट अटैम्प्ट के 15 साल से ज़्यादा के क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे। और क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, चाहे वो आपका कोई भी चीज़ हो। चाहे वो आपके लिए थ्योरी हो, चाहे वो आपके लिए एमसीक्यू हो, चाहे वो आपके लिए टोटल क्वेश्चन हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए रहती हैं। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। तो ये इस तरह से कुल मिलाकर के रहता है। मतलब बेसिकली आपको कॉस्ट में आपको प्रॉफिट जोड़ना है। ये जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप इतना सा ध्यान रखें कि कोई भी कॉस्ट वेरिएंट होगा, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो, उसके अंदर हमको एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है। तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एक प्राइस निकल के आएगी और उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। अभी मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो सकता है, मार्जिनल कॉस्ट आपके लिए हो सकता है। तो इस तरह से ये आपके लिए तीन तरह के कॉस्ट के अप्रोच हो सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी किस चीज की आएगी? तो सेकंड कैटेगरी आती है हमारी मार्केट प्राइस बेस्ड। मार्केट प्राइस बेस्ड का मतलब कि जो हमारी मार्केट की प्राइस है, मतलब जैसे दूध हम लोग मार्केट में जिस रेट में बेचते हैं, जिस रेट में हम मार्केट में दूध बेचते हैं, उसी को प्राइस को बेस मानते हुए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बेसिस पर अब क्या होगा, दो चीजें हैं। अगर उसको हम लोग बेस मानते हैं तो आइदर या तो हम लोग क्या कहेंगे कि मार्केट प्राइस जो है वो दे दो, या अगर हमें कुछ लगता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कोई है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, वो भी मार्केट प्राइस के बेसिस पर ही निकाली जाएगी। सर कैसे? मैंने कहा जैसे 1 लाख लीटर दूध की कैपेसिटी थी, मुझे 80,000 दूध की मार्केट में डिमांड है, 80,000 लीटर की मार्केट में डिमांड है, मुझे सपोज से ट्रांसफर के लिए 50,000 लीटर दूध चाहिए, ट्रांसफर करना है 50,000 लीटर, लेकिन स्पेयर कैपेसिटी तो कितनी है, 20,000 ही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मैं मार्केट में जो 80,000 देता था उसमें मैं कट करूंगा, उसमें से मैं 30,000 कट करूंगा। तो मेरे को 30,000 कट करने से क्या होगा ना कि 20,000 तो वो होगी जिसमें मेरे को कोई किसी प्रकार का लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं भी ढाला ही बैठा था, मेरी स्पेयर कैपेसिटी थी। तो मैं 20,000 पे तो केवल और केवल मेरे को कॉस्ट दे दो भैया आप, लेकिन 30,000 जो है उस 30,000 में मैं कुछ कमा रहा था, उस 30,000 पे मैं कमाता था। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में बेचता था। तो वो 30,000 को जो मैं मार्केट में बेचता था उससे जो मुझे प्रॉफिट होता था वो अगर मैं आपको दूंगा तो मेरे को वो प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट मैंने छोड़ा 30,000 यूनिट पे वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो उसके बेसिस पर भी हम लोग हमारी प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी कहलाता है आपका मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिस के ऊपर जो ट्रांसफर प्राइसिंग रहती है वो। तो इसमें पहला प्राइस तो क्या होगा, पहला प्राइस तो होगा हमारे लिए मार्केट प्राइस। इसमें मेथड रहेगा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब कि वो प्राइस जो हम लोग आउटसाइडर को कोट करते हैं। तो पहला क्या होगा, आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये लिखा है पहला मार्केट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब कि दूध, मिल्क, मिल्क की जो मार्केट प्राइस है वो हमारे लिए एक मेथड बनेगा एज कोटेड बाय आउटसाइड सप्लायर। जो आउटसाइड सप्लायर द्वारा हमें कोट किया जाता है वो, जैसे कि मैं पनीर डिपार्टमेंट हूँ, मुझे अमूल कंपनी का पनीर डिपार्टमेंट हूँ मैं, लेकिन मुझे अमूल से नहीं लेना, मुझे मदर डेयरी से लेना है, तो मदर डेयरी जो मुझे कोट करेगा वो मेरे लिए मार्केट प्राइस हो जाएगा। दूसरा मार्केट प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। अगर सपोज से मेरे पास दूध का जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट है वो बाहर अवेलेबल नहीं है तो मैं उसका जो सब्सटीट्यूट होगा, सब्सटीट्यूट इन द सेंस कि मतलब पाउडर वाला दूध, तो वो भी एक सब्सटीट्यूट है। तो इस तरह का जो सब्सटीट्यूट है उस सब्सटीट्यूट प्राइस प्रोडक्ट की जो है वो मार्केट प्राइस अगर अवेलेबल है तो मैं वो लूंगा। ठीक है, फिर आता है लास्ट जो कि नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस मेथड। नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस का मतलब हो गया बनियों वाला मेथड कि भैया आपके मैं तो इतने दूंगा नहीं, मैं इतने लूंगा वो। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, मैंने कहीं पे मैं लेने गया, सपोज से मुझे एप्पल लेनी थी, मैंने कहा एप्पल कैसे लगाएगा, तो वो बोलेगा 200 रुपये किलो। मैंने कहा नहीं यार भैया 150 रुपये का लगाओ, तो वो क्या बोलेगा, ना आपका ना मेरा 170। मैंने कहा ये तो ना तेरा ना मेरा कहाँ हुआ, ना तेरा ना मेरा कहाँ हुआ, ये वो बोलेगा कौन, एप्पल वाला फ्रूट सेलर जो है वो बोलेगा तो आपका और मेरा नहीं हुआ, ये तो बीच का होगा 175, तो वो करो। तो ये क्या है, ये बेसिकली इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बन करके आता है। तो जो नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस है वो बेसिकली है कॉम्बिनेशन ऑफ कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग इसके जो मेथड्स हैं उसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है मेथड्स में। तो सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे लिए है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। तो कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस जो हमारे लिए है उस कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस के लिए क्या लिखा है, सबसे पहला अंडर दिस मेथड कॉस्ट विल बी बेस्ड टू कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस एंड डिफरेंट बेसिस ऑफ कॉस्ट कैन बी एज फॉलोज। अब डिफरेंट बेसिस कौन कौन से हो सकता है, पहला एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज टेकन एज ट्रांसफर प्राइस, जो केवल और केवल एक्चुअल। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है कि हम केवल एक्चुअल कॉस्ट ले लें, हो सकता है हम एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ले लें। अब एक्चुअल कॉस्ट ले लें या एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ले लें? सर एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से मतलब वो प्लस प्रॉफिट से मतलब यह है कि हो सकता है विद मार्कअप हो सकता है विदाउट मार्कअप हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज टेकन एज ट्रांसफर प्राइस फॉर इंटर डिविजनल ट्रांसफर्स। एक्चुअल कॉस्ट में भी हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट केवल वेरिएबल कॉस्ट हो, और हो सकता है समटाइम एक्चुअल कॉस्ट जो है आपकी वो आपके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का टोटल भी हो। फिर आता है कॉस्ट प्लस मार्कअप। कॉस्ट प्लस मार्कअप मतलब आपको मार्कअप ऐड करना है, तो ट्रांसफर प्राइस विल बी कैलकुलेट बाय सिंपली ऐड सम परसेंटेज रिटर्न इन टोटल कॉस्ट एंड दैट रिटर्न कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन ने कहा कि कॉस्ट प्लस मार्कअप मेथड है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट वाले को तो क्या किया इन्होंने, केवल और केवल एक्चुअल कॉस्ट पे ले लिया। दूसरा आया कॉस्ट प्लस मार्कअप। कॉस्ट प्लस मार्कअप के अंदर क्या हुआ कि आपके जो कॉस्ट हैं, अब वो कॉस्ट कौन सी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्कअप हो, तो आपको वो किसी के ऊपर भी कैलकुलेट हो सकता है। तो सब आपका फुल कॉस्ट के ऊपर भी हो सकता है, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज भी हो सकती है। तो पहला मेथड तो क्या होगा, वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फुल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। हो सकता है वो वेरिएबल कॉस्ट, जैसे सपोज से 100 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट थी, क्वेश्चन ने कहा कि हमको वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20% मार्कअप पे चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट 100, 20% मार्कअप तो 20, तो इसका मतलब 120 जो है वो हमारे लिए हो गई है ट्रांसफर प्राइस। क्वेश्चन कहता है फुल कॉस्ट हमारी 200, उसका 10% हमारी प्रॉफिट चाहिए, तो 200 प्लस 10% 20 रुपए, तो 200 प्लस 20 220 रुपए, ये हो गया। दूसरा मेथड हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड पर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने अभी आपको बताया था ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, उसका 10% प्रॉफिट चाहिए 1 लाख। अब 1 लाख तो सभी यूनिट से चाहिए, 1 लाख सारी यूनिट से चाहिए। सपोज से 1000 लीटर दूध हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कितना हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए 1000 यूनिट से, तो इसका मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट चाहिए 1 लीटर से, ये हो गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में हम लोग हमारी कॉस्ट जोड़ देंगे तो हमारे पास ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। फिर तीसरा मेथड रहेगा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, आप लोगों के इंटर के अंदर आपने ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा, वही चीज़ है कि हर एक प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है। हर एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपके ग्रुप 2 में भी है, सीएमए इंटर में भी है और सीएमए फाइनल में भी है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ग्रुप 1 में भी मिलता है, ग्रुप 2 में भी मिलता है। सीएमए के बच्चों की बात कर रहा हूँ, सीएमए का इंटर का ग्रुप 1 वहाँ पर भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, केवल मटेरियल लेबर है। फिर उसके बाद में फर्दर सीएमए इंटर ग्रुप 2 वहाँ पर भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। फिर सीएमए फाइनल का ग्रुप 3 जो है उसके अंदर भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो मतलब तीनों लेवल पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर ग्रुप में पाई जाती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, हर एक प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि ये प्रोडक्ट इतने रुपए में बन जाना चाहिए, तो हम लोग उसी बन जाना चाहिए पे। अब उससे कम में बनाया तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, उससे कम में बनाया तो सप्लायर डिवीजन के लिए प्रॉफिट है। क्यों, सपोज से मैंने सोचा कि दूध 50 रुपए लीटर में बन जाना चाहिए, तो वो क्या कहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको 50 रुपए दूंगा। अब अगर मैंने 45 में बना लिया ना, तो मेरे लिए 5 रुपए एडिशनल प्रॉफिट हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ट्रांसफर किया था, और स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम में अगर मैं बना दूंगा तो जो वेरिएंस फेवरेबल हुआ, क्योंकि कम में बनाना फेवरेबल वेरिएंस है। सर ये फेवरेबल वेरिएंस कैसे, मैंने कहा मैंने सोचा था कि 50 रुपए लीटर में दूध बनाऊंगा, तो 50 रुपए लीटर के अंदर दूध बनाऊंगा, लेकिन मैंने दूध बना लिया 45 रुपए में ही, तो कॉस्ट की सेविंग हो गई। और कॉस्ट की सेविंग क्या होती है हमारे लिए, फेवरेबल वेरिएंस। तो फेवरेबल वेरिएंस क्या हुआ, एक प्रकार से सप्लाई डिवीजन के लिए प्रॉफिट। लेकिन 50 का सोचा था 55 में बना, तो 5 रुपए का हो गया लॉस एडवर्स। ये कौन भुगतेगा, ट्रांसफरर भुगतेगा, तुम्हारी गलती है, तुमने महंगा क्यों बनाया। तो इसके लिए ये हो गया, तो यहाँ पर आपके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ही हो गया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कहती है, ट्रांसफर प्राइस इज कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कैलकुलेट होता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट बीइंग वेरिएंस इज एब्जॉर्ब बाय ट्रांसफरिंग डिवीजन। ट्रांसफरिंग मतलब ट्रांसफरर जो आता है वो। और फिर चौथा हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पर। मार्जिनल कॉस्ट बेसिस मतलब आपके लिए जो केवल और केवल उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो। तो ट्रांसफर प्राइस इज कैलकुलेटेड एट मार्जिनल कॉस्ट बिकॉज फिक्स कॉस्ट जो होती है वो तो होती है अनअवॉइडेबल। समटाइम हैंस समटाइम सप्लाई डिवीजन डोंट चार्ज फॉर सेम फ्रॉम रिसीविंग डिपार्टमेंट। सर ये अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, मैंने कहा एक चीज मुझे बताओ, मेरे को ट्रांसफर करना है दूध मेरे डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को। मैं एक बिल्डिंग लेकर के मैंने प्रोडक्शन हाउस लगा रखा है, प्रोडक्शन का प्लांट लगा रखा है, उस प्लांट का मेरा किराया जाता है 5 लाख रुपए। अब मैं वो ट्रांसफर करूंगा तो भी 5 लाख जाएगा, ट्रांसफर नहीं करूंगा तो भी रेंट 5 लाख जाएगा। तो क्या ये 5 लाख रुपए में कोई खर्चा ऐसा है जो मेरे को ट्रांसफर के कारण से लग रहा है? आंसर इज नो। जब ट्रांसफर कार्ड से नहीं लग रहा तो फिर काहे को ले रहे हो मेरे से, मत लो आप मेरे से, मत लो बस। तो वो गया मार्जिनल कॉस्ट पर। तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। अब आपको एक चीज बताऊं, ये जो प्रॉफिट है ना, एक चीज ध्यान रखना आप लोग हमेशा, जब भी प्रॉफिट जोड़ोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड होगा। सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐड का मतलब मैंने कहा क्योंकि मुझे क्या करना है, 100 रुपए की चीज थी, सपोज मुझे 50% टैक्स रेट है, क्वेश्चन कहता है 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 100 का 20% कितना हुआ, 20 रुपए। लेकिन मुझे अब ऑब्वियस सी बात है अगर मैंने 20 रुपए उससे 120 रुपए चार्ज किया तो मेरे लिए टैक्स कितना गया इसमें से, 100 रुपए तो मेरी कॉस्ट हो गई, 20 रुपए मेरा प्रॉफिट बचा, उसका 50% टैक्स चल जाएगा तो मेरे को अल्टीमेटली तो मेरे पास 10 रुपए बचे। तो इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट की जो रेट लेते हैं वो हमेशा प्रॉफिट की रेट बिफोर टैक्स लेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ये रेट बिफोर टैक्स है और आफ्टर टैक्स है, तो अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दी हुई तो हम उसको बिफोर टैक्स मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दी हुई है तो हम लोग उस के अंदर जो रेट दी हुई है उसको ये मानेंगे कि वो आफ्टर टैक्स है, और उसको आफ्टर टैक्स को हमको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा, जैसे सपोज से 20% का रेट थी लेकिन ये आफ्टर टैक्स थी, तो इसको बिफोर टैक्स बनाने के लिए क्या करूंगा, 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, और 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, तो टैक्स रेट कितनी है 50%, तो 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.50, तो इसका मतलब हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.50, तो इन शॉर्ट आपके लिए 40% आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 100 में 40% ऐड करेंगे तो 140, 140 में से 100 तो हमारी कॉस्ट हो गई, बच गया 40 का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट बच गया, इसमें से 50% टैक्स चल जाएगा तो बच गया आप 20 रुपए। तो इन शॉर्ट डायरेक्टली मेरे पास 20 रुपए बच गए हैं। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जब भी प्रॉफिट की रेट आपको ऐड करनी हो प्राइस निकालने के लिए तो हमेशा ऑलवेज टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स। रेट जो लेंगे वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की लेंगे। ऑल्दो ये नोट्स में मैं आपको लिखवाऊंगा, इसके हर एक चीज के ऊपर हर एक पॉइंट पर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, वही चीजें जो मैंने आपको बताई वही सारी चीजें आएंगी। ट्रांसफर प्राइस जो है ना वो मार्केट प्राइस के बेसिस पर हम लोग लेंगे, जिस मार्केट प्राइस पे हमको मिल रहा था वो हम लोग दे देंगे। तो दिस इज द हाईएस्ट प्राइस, अब ऑब्वियस ही बात है दिस इज द हाईएस्ट प्राइस विच रिसीविंग डिपार्टमेंट कैन अफोर्ड एज ओवर एंड अबव टू दिस प्राइस रिसीविंग डिपार्टमेंट विल परचेज इट फ्रॉम ओपन मार्केट। सर ये क्या कह गया, सर ये अंग्रेजी के मायने क्या कह गए हैं, इसके अंग्रेजी के मायने क्या होते हैं? सर इसका मायने ये होते हैं दोस्तों, मेरे को अगर मैं सपोज से पनीर डिपार्टमेंट हूं, मेरे को बाहर से दूध लेके आना है, मैंने अमूल के दूध डिपार्टमेंट से पूछा दूध कितने में दोगे, वो बोला 50 रुपए में। मैंने बाहर वाले से पूछा, वो बोलता कितने में दोगे। मैंने मदर डेयरी वाले इसके मिल्क डिपार्टमेंट से पूछा कितने में दोगे, वो बोलता 48 में। अब मुझे बताओ मैं मेरे ही मिल्क डिपार्टमेंट से लूंगा कि मदर डेयरी के मिल्क डिपार्टमेंट से लूंगा? आंसर इज मैं बाहर से ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वहां सस्ता पड़ रहा है। और ये तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसफर प्राइस तो डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से ले लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर मेरा हैंड टू हैंड मेरा डिपार्टमेंट जो है उसका दूध डिपार्टमेंट मुझे कॉल करेगा, अरे यार तुमने बाहर से ले लिया, बताया यार दूध मेरे से क्यों नहीं लिया? तो कहा तुमने मेरे को महंगा दिया। तो कहा तू मेरे को एक बार फोन तो किया होता, तूने वहां कितना दिया, 48, तो यार 48 में तो मैं ही दे देता तेरे को। तो कहा आपने पहले बोला नहीं ना, आपने पहले बोला नहीं, अगर आप 48 में देते तो मैं आपसे ही लेता, अगर आप 48 में देते तो मैं आपसे ही लेता, क्योंकि मेरे को तो उसको देना है आपको देना है, एक ही बात है, तो मैं तो उसको भी दे दूंगा चाहे आपको दे दूंगा, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तू 48 से ज्यादा नहीं देगा क्या, मेरे को 48.5 रुपए नहीं दे देगा क्या? वो क्या कहेगा, नहीं दूंगा, 48 48.5 तो ज्यादा हो गया, मैं 48 रुपए 1 पैसा भी नहीं दूंगा। इसका मतलब वो आपको मैक्सिमम जो प्राइस देगा वो मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं देगा, ये उसकी मैक्सिमम प्राइस है सप्लायर की, ठीक है। ये तो हो गया मार्केट प्राइस। फिर दूसरा आता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना मार्केट प्राइस के अंदर, अब आपको वहां पर मार्केट प्राइस आ रही है, आपने पूछा मिल्क की मार्केट प्राइस कितनी पड़ रही है, तो आप 50 रुपए, तो यार 50 रुपए पड़ रही है, कहता लेकिन यार अपना ना अगर हम भी मार्केट में बेचते हैं तो 50 रुपए में भी बेचते हैं, लेकिन हमको बाहर मार्केट में बेचने के कारण से ना 40 रुपए तो हमारी कॉस्ट है, 2 रुपए हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता है, तो हमारे को नेट 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, 50 रुपए में मैं बाहर बेचता हूं, मैं मिल्क डिपार्टमेंट हूं, 50 रुपए में बाहर बेचता हूं, जिसमें से 40 रुपए तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है और 2 रुपए मेरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। तो इन शॉर्ट मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 42। तो 50 में से अगर मैं 42 लेस करता हूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा, 8 रुपया। अब मेरा पॉइंट आपसे है 8 रुपया हुआ ना, अब मेरा पॉइंट आपसे है कि आप इंटरनल ट्रांसफर अगर मार्केट प्राइस के मेथड पर करोगे तो आप 50 रुपए में करोगे क्या? सर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सर इंटरनल ट्रांसफर अगर मैंने 50 पे किया, 50 रुपए मेरे इंटरनल ट्रांसफर की प्राइस, उसमें से 40 रुपए मेरे कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जीरो, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपए। मतलब मैं तो बाहर वाले से भी ज्यादा कमा रहा हूं अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं 48 रुपए चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि 2 रुपए अब मेरा वो खर्चा नहीं लगेगा। तो मेरे लिए प्राइस क्या हो जाएगी? मेरे लिए प्राइस हो जाएगी कि मैं सामने वाले से मेरी मार्केट प्राइस जो है उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेस कर दूंगा, वो इतना सा रुपया मैं आपसे मांग लूंगा। तो इसका मतलब आप मेरे से 48 रुपए मांग सकते हो। मैं पनीर डिपार्टमेंट हूं, आप मिल्क डिपार्टमेंट हो, आपका 50 रुपए में आप बाहर बेचते हो, कमाते हो 8 रुपए। आप अगर मुझे भी 50 में दोगे तो कमाओगे 10 रुपए जो नहीं कमाना। तो आपको कमाना कितना है? मेरे से भी 8 रुपए। तो 8 रुपए ले लो और आपकी पूरी कॉस्ट ले लो। तो पूरी कॉस्ट आपकी 42 रुपए नहीं लग रही है, अब 42 रुपए नहीं लग रही है, आपकी 40 ही लग रही है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं लग रहा। तो आप मेरे से क्या लोगे? 48 रुपीज लोगे। यही इसने सेकंड पॉइंट में बोला है। इन सब चीजों के जब एग्जाम्पल लिखेंगे ना हम सेकंड वाले लेक्चर में, तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफर प्राइस है क्या। और मैं आपको बता दूं, ट्रांसफर प्राइस लोगों को, बच्चों को, आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, लेकिन बच्चों के रिव्यूज मेरे को ये हैं कि इस ट्रांसफर प्राइस वाले चैप्टर को लेकर के उनको ट्रांसफर प्राइस वाला चैप्टर सबसे टफ लगता है। बाकी एक्चुअल में ये है नहीं, डोंट वरी। क्या कह रहा है? वन ऑफ द वेरिएशन ऑफ दिस मेथड इज दैट फ्रॉम द मार्केट प्राइस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैंने इसको हाईलाइट किया है क्योंकि इसके ऊपर बच्चा क्वेश्चन में घूम जाता है, यही वो पॉइंट है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड शुड बी डिडक्टेड एंड प्राइस दस अराइव्ड शुड बी चार्ज एज ट्रांसफर प्राइस। और फिर उसको लेस करने के बाद 50 में से 2 रुपए इसको लेस करने के बाद जो 48 बचे ना, वो हमारे लिए ट्रांसफर प्राइस है। द रीजन बिहाइंड दैट इज नो सेलिंग एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सेल द गुड्स टू द बाइंग डिवीजन एंड देयरफॉर दीज कॉस्ट शुड नॉट बी चार्ज टू द बाइंग डिवीजन। इन शॉर्ट, बाइंग डिवीजन से ये प्राइस चार्ज नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइंग डिवीजन के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? ये लीजिए, ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी हमारे लिए मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए हो जाएगी। तो अब आगे क्या कह रहा है, अब देखिएगा। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड प्राइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड प्राइस का मतलब क्या हुआ? जो भी प्रॉफिट मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, जैसे सपोज से मैं 1 लाख के ऊपर काम कर रहा हूं, मेरी 1 लाख लीटर की कैपेसिटी है और मेरी मार्केट में डिमांड भी 1 लाख ही है। इसका मतलब अगर मैं इंटरनल ट्रांसफर करूंगा, सपोज से इंटरनल ट्रांसफर करना है 10,000 यूनिट। अब अगर मुझे 10,000 लीटर भी ट्रांसफर करना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे बाहर की सेल छोड़नी पड़ेगी। तो जो बाहर की सेल से जो मेरा प्रॉफिट है ना, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? ये आपका, ये क्या है? जो प्रॉफिट फॉरगोन है वो ले लो और जो आपकी कॉस्ट है वो ले लो। ले लो हमसे वो चीज, हम मना ही नहीं कर रहे। पनीर डिपार्टमेंट कह रहा है मैं मना ही नहीं कर रहा आपको साहब, आपको, लेकिन मेरे को दूध लेना है तो आपने ही घर का दूध यूज करना है मुझे, तो आप तो मुझे दूध दो आपका, ठीक है माना आपको लॉस हो रहा है ना, होने दो। तो वो आपके लिए हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर क्या लिखेंगे? अंडर दिस मेथड सप्लायर डिवीजन चार्ज ए रेट एट विच दे आर एबल टू कवर देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एनी बेनिफिट लॉस ड्यू टू इंटरनल ट्रांसफर। तो इस मेथड के अंदर जो सप्लायर डिवीजन है वो अपनी कॉस्ट भी लेता है और कोई प्रॉफिट अगर लॉस हो रहा है तो वो भी आपसे लेगा। तो ये दोनों चीजें यहां से आपके लिए रिकवर रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेनिफिट लॉस सिचुएशन अराइज कब होगी? तो बेनिफिट लॉस सिचुएशन विल अराइज व्हेन प्रोडक्ट ऑफ सप्लायर डिवीजन इज मार्केटेबल, कि जो सप्लायर डिवीजन का जो प्रोडक्ट है वो मार्केटेबल है, मतलब कि बाहर भी बेचा जा सकता है। एंड इफ सप्लायर डिवीजन ट्रांसफर गुड्स टू रिसीविंग डिपार्टमेंट देन दे विल नॉट बी एबल टू सर्व ओपन मार्केट। और अगर वो ओपन मार्केट में भी सेल करते हैं, सप्लायर डिवीजन को भी, आपके रिसीविंग डिवीजन को भी ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज कब होगी? जब रिसीविंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करने से वो ओपन मार्केट में सेल ना कर पाए तो। एंड हैंस सप्लायर डिवीजन विल हैव टू सफर लॉस। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ओपन मार्केट में सेल नहीं कर पा रहा तो उसको लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सप्लायर डिवीजन को जो लॉस होगा वो अमाउंट भी वहां से रिसिपिएंट डिपार्टमेंट से चार्ज कर लेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इस केस के अंदर ट्रांसफर प्राइस कैसे आएगी? तो इस केस में ट्रांसफर प्राइस आएगी, ट्रांसफर प्राइस आपकी कॉस्ट प्लस बेनिफिट जो भी आपने लॉस्ट किया है वो। ये आपके वहां पर आ जाएगा। अब पॉइंट आता है कि बैन कौन सा मेथड कब लगाना है, तो देखिएगा ये मैंने तीन बाइफिकेशन कर दिए। अब ये कौन सा मेथड कब लगाना है, मतलब ये मैं लगा रहा हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के बाद में बात कर रहा हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसके लिए मैं कर रहा हूं ये बात कि पहला केस क्या होगा। पहला केस तो ये कि मैं बिल्कुल ठाला बैठा हूं, मतलब बिल्कुल ठाला इन द सेंस मेरे मार्केट में डिमांड है 80,000 किलो की और मेरे को इंटरनल ट्रांसफर करना है 10,000 लीटर ही। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे को 80,000 लीटर की मार्केट में डिमांड है, मेरी कैपेसिटी 1 लाख की है, तो इसका मतलब 20,000 मेरी स्पेयर है। तो अगर मेरे को कल को डिमांड, अगर मेरी डिमांड अगर इसी 20,000 की लिमिट में की रेंज में ही आती है तो इसका मतलब मेरे को कोई बेनिफिट लॉस नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा कि मेरे को केवल और केवल मेरी वेरिएबल कॉस्ट दे दो साहब, केवल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट नहीं, केवल वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट क्यों नहीं ली, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मेरे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं करूंगा। आपको बोला था ना 5 लाख रुपए का जो रेंट है वो मेरे को, चाहे मैं उसको ट्रांसफर करूं चाहे ना करूं, दोनों ही केस में मेरे को 5 लाख रुपए का रेंट देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मेरे लिए इररिलेवेंट है। वेरिएबल कॉस्ट जो बनाने के लिए मेरी खर्चा लगा केवल वो दे दो साहब, मेरे को प्रॉफिट का तो लॉस कोई है ही नहीं। तो दो केस हैं, आपके तीन केस रहेंगे सॉरी। पहला, आप वर्किंग एट द रेट 100%, कोई कैपेसिटी आइडियल है ही नहीं, मतलब कि 1 लाख लीटर पर काम कर रहे हो, 1 लाख लीटर की कैपेसिटी है, 1 लाख लीटर ही मार्केट में बेच रहे हो। इसका मतलब एक यूनिट भी बेचोगे ना, एक सिंगल यूनिट भी आप बेचोगे तो उस पर आपको लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा, जो उनकी मार्केट प्राइस में से उनकी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे तो वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको छोड़ना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको छोड़ना पड़ेगा जब आप इसके अंदर सेल करोगे, जब आप सेल करोगे इंटरनल ट्रांसफर के लिए तो आपको वो प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट ले लेंगे। तो क्या होगा, ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ये तो हो गया वो केस। फिर नेक्स्ट केस क्या है, वर्किंग एट द रेट लेस देन 100%। अब एट द रेट लेस देन 100% है, लेकिन जो इंटरनल डिमांड है वो इंटरनल डिमांड जो स्पेयर टाइम है ना, उस स्पेयर टाइम में ही फुलफिल हो जाए, स्पेयर टाइम में फुलफिल हो जाए। मतलब जैसे कि 1 लाख की डिमांड, 1 लाख की कैपेसिटी है, 80,000 की मार्केट में डिमांड है और मुझे इंटरनल ट्रांसफर की डिमांड है ओनली 10,000 किलो। अब 10,000 किलो है तो 80,000 ये, 10,000 ये, टोटल मिला करके 90,000 ही हुआ ना। इसका मतलब मुझे कोई इंटरनल ट्रांसफर के कारण से कोई मार्केट की सेल मेरे को छोड़नी पड़ी क्या? आंसर इज नो। मार्केट की सेल मेरे को कोई नहीं छोड़नी पड़ी। जब मार्केट की सेल मुझे नहीं छोड़नी पड़ी तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे को तो केवल आप मेरे को मेरी वेरिएबल कॉस्ट दे दो, आप मेरे को केवल मेरी वेरिएबल कॉस्ट दे दो, मेरा काम हो जाएगा। फिर तीसरा केस, तीसरा केस क्या, वर्किंग लेस देन 100% पे कर रहा हूँ, वर्किंग एट द रेट लेस देन 100% पे कर रहा हूं, लेकिन बट इंटरनल डिमांड नॉट फुलफिल इन आइडियल कैपेसिटी, लेकिन जो हमारी इंटरनल ट्रांसफर की डिमांड है वो उसमें फुलफिल नहीं हो रही। कैसे, 1 लाख की कैपेसिटी है, 80,000 लीटर की मार्केट में डिमांड है, इंटरनल ट्रांसफर की डिमांड आई 30,000 किलो की, इंटरनल डिमांड आई 30,000 की। अब 30,000 की स्पेयर कितना है, ओनली 20,000। अब 30,000 की डिमांड फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20,000 तो स्पेयर टाइम जो है उसमें बना दूंगा, बाकी की जो 10,000 है उसके लिए मुझे मार्केट के अंदर जो मार्केट में बेच पा रहा हूं उसमें से कट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 लाख में से अब 30,000 तो मुझे इनको ट्रांसफर करना है, तो मैं मार्केट में 70,000 से ज्यादा बेच ही नहीं सकता। तो 80,000 की जगह मैं केवल 70,000 ही बेचूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मेरे को 20,000 पर तो केवल 20,000 यूनिट जो है वो तो केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट, और जो 10,000 है उसके ऊपर मेरे को लॉस हो रहा है, तो उसके ऊपर मेरे को इन दोनों का मिक्स हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट का मिक्स। तो ऐसे केस में दो केस होंगे। पहला फॉर आइडल पोर्शन, मतलब कि फॉर आइडल पोर्शन का मतलब जो 20,000 यूनिट है ना जो मेरे आइडल टाइम में बनी है उसके लिए तो क्या करूंगा, टोटल ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी मेरी केवल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर मैं एक्सेस पोर्शन ओवर दी फुल कैपेसिटी, 1 लाख से ऊपर जा रहा है ना, ये जो 10,000 ऊपर जा रहा है, इसके अंदर हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, ये करेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन मेरे से पूछ ले, नहीं साहब दो प्राइस मत दो, एक ही प्राइस दो, एवरेज कर दो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर सिंगल प्राइस अगर आपसे पूछी है तो एवरेज कर देंगे। और ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एवरेज रहेगा ये आपकी यूनिट के हिसाब से रहेगा कि जितनी यूनिट्स है उसके हिसाब से, कि जैसे आपके सपोज से 100 रुपये आ रही है आपके वेरिएबल कॉस्ट और 120 रुपये आ रही है कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, तो हम करेंगे 100 × 20,000 प्लस आपका 120 रुपये आ रही है दूसरी प्राइस, तो 120 × 10,000 प्लस डिवाइडेड बाय 30,000 ये करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपके पास ट्रांसफर प्राइस एक एवरेज आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको मैंने इस कैटेगरी में नहीं रखा, जो क्वेश्चन ऑल्दो आपके पास नहीं आया, लेकिन सीए के एग्जाम्स में इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सीए वाले जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है क्योंकि सीए के क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ पर भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी मेथड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मेथड है शेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड। शेयर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि आपको जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना पूरा कंपनी का, वो कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा कंपनी का आपको शेयर करना है अपने अपने डिपार्टमेंट में। तो क्या लिखा है, As the name suggests, in this method we will share contribution of whole company। हम क्या करेंगे, पूरी कंपनी एज ए होल का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे इन ऑल डिवीजन, और फिर उसको हम लोग शेयर कर देंगे उनकी रेस्पेक्टिव वेरिएबल कॉस्ट के रेशो में। रेस्पेक्टिव वेरिएबल कॉस्ट के रेशो में मतलब सपोज से मेरे को 10,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है मेरे इस डिवीजन की वेरिएबल कॉस्ट, 20,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है मेरी इस डिवीजन की, तो 10,000 और 20,000 की मेरी कॉस्ट है। अब सपोज से मेरे को 10,000 और 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। सपोज ये जो 30,000 रुपये मेरी पूरी कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अगर सपोज ये माल मेरा 50,000 में बिक जाता है, या मैं कहूँ 60,000 में बिकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरे कंपनी की सेल प्राइस 60,000, इसमें से 10,000 वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पर, 20,000 वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर, दोनों में मिला के 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट। तो 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट में से 30,000 की वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा, 30,000 रुपए। अब 30,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट बचा, तो 30,000 को मुझे वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में बांटना है, और वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्या है, 10,000 20,000। तो 10,000 20,000 के रेशियो में 30,000 को बांटना है, तो कैसे बटेगा, 10,000 इसको दे दो, 20,000 इसको दे दो। अब आपको पता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 10,000, तो ट्रांसफर प्राइस कितनी हो जाएगी, 20,000। कैसे हुई, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट मिलाकर के क्या होता है, सेल्स, और यहां पर इंटरनल ट्रांसफर में सेल्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफर प्राइस। तो ऐसे केस में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में उसको लेंगे, दैट्स ऑल, खत्म। इसके जब हम क्वेश्चंस, आपको मेथड्स इतने ज़्यादा आपकी क्लियर नहीं होंगे, मैं खुद कह रहा हूँ अभी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे, लेकिन जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको खुद को लगेगा अरे सर जो आपने उस दिन बताया था ना, वो बात सारी कोरिलेट हो रही है। क्यों, क्योंकि अभी मैं इनके नोट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके नोट्स लिखवाऊंगा, फिर हम लोग इसके ऊपर इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होते हुए चलेगी। तो क्या बोल रहा है, एंड देन वी विल ऐड, अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हम ऐड कर देंगे उसकी वेरिएबल कॉस्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा ट्रांसफर प्राइस। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे ऐड होगा, कंट्रीब्यूशन होगा टोटल कंपनी का कंट्रीब्यूशन 30,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट 30,000। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 बटा 30,000 तो आ जाएगा 10,000। तो 10,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मेरे को ट्रांसफर प्राइस कैसे आएगी, ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट में, उस कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दूंगा उससे, दैट्स ऑल। तो ये सारा मेथड है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये आप लोग चाहें तो ये क्वेश्चन उतार सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसको करेंगे, दैट्स ऑल। ये पूरा दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग, ये पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग है। इसके अलावा एक नेगोशिएशन का जो है, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग ट्रांसफर प्राइस का एक मेथड है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो नेगोशिएशन के अंदर क्या रहता है, वही नेगोशिएशन के अंदर कि भैया तुम इतने से ज़्यादा नहीं दोगे, मैं इतने से कम नहीं दूंगा, दोनों का नेगोशिएशन होता है। तो बेसिकली ये केवल और केवल उसकी डेफिनेशन है। इट रेफर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड एग्रीमेंट ऑफ मैनेजर ऑफ सप्लायर डिवीजन के और रिसिपिएंट डिवीजन के, दोनों के जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है कि वो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। अब जो मैनेजर नेगोशिएट ज़्यादा अच्छे से कर जाएगा उस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, जो जिसका नेगोशिएशन सही नहीं होगा उसको लॉस हो जाएगा। तो सेकंड में क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड ईच डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट इज कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट माना जाएगा, और उनको अपने अपने नेगोशिएशन पर डिसाइड करने का पूरा पूरा अधिकार है। डिविजनल मैनेजर ऑफ रिसिपिएंट जो है उसको फुल फ्रीडम है टू परचेज देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर। जो रिसिपिएंट डिपार्टमेंट है उसको पूरा फ्रीडम दिया जाता है कि तू बाहर से ही परचेज करना चाहता है कर सकता है। इफ़ द प्राइस कोटेड बाय सप्लायर डिवीजन आर नॉट एक्सेप्टेबल, अगर प्राइस जो कोट की है सप्लायर डिवीजन ने, सपोज से 50 रुपये कोट की है, मेरे को बाहर 48 में मिल रहा है, मैं नहीं ले रहा, तो सप्लायर डिवीजन आर नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, तो बिकॉज ऑफ हायर ट्रांसफर प्राइस देन ओपन मार्केट प्राइस, तो वो नहीं लेगा। और एक आपके लिए यहाँ पर स्टार मार्क जो मैंने आपको बताया था कि वाइल कैलकुलेटिंग ट्रांसफर प्राइस वी विल ऑलवेज टेक प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही लेंगे। अब लेकिन पॉइंट आता है, नेगोशिएशन की रेंज तो होगी ना कि किसके बीच में। अब आपने कह दिया मैं ये नहीं दूंगा, मैं वो नहीं दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, तो इसके बीच में रेंज होती है। तो रेंज का मतलब ट्रांसफरर जो सप्लायर है ना वो कहेगा कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मैं उससे कम रुपए चार्ज नहीं करूंगा, उसे बोलेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। और सब जो रिसिपिएंट डिवीजन है वो आपको ट्रांसफर अमाउंट पे करेगा, लेकिन वो कुछ अमाउंट है जिससे ज़्यादा पे उसको नहीं करेगा, तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर प्राइस का। तो क्या होगा, रेंज क्या होगी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी। अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, सप्लायर के डिवीजन, सप्लायर डिवीजन बताएगा। तो सप्लाई डिवीजन क्या कहेगा, वो कहेगा, अब उसके पास भी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का दो कॉन्सेप्ट है। अगर वो स्पेयर टाइम पे है तो वो कहेगा कि मेरे को केवल मेरी कॉस्ट दे दो, मेरे को मिनिमम मेरे को कॉस्ट तो चाहिएगी ही चाहिएगी, अगर वो उसके स्पेयर टाइम में कर रहा है तो। अगर स्पेयर में नहीं कर रहा तो वो क्या कहेगा, मेरे को मेरी कॉस्ट भी दो, मेरे को मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो भी दो। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगी, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो होगी वो आपकी रिलेवेंट कॉस्ट होगी। तो रिलेवेंट कॉस्ट मतलब कि जो भी आपके लिए रिलेवेंट रही है। अब रिलेवेंट क्या क्या है देखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ ट्रांसफर, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है ये तो हमारे लिए रिलेवेंट है ही है। इसके अलावा अगर हमारी कोई फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि इस पर्टिकुलर ट्रांसफर के कारण से ही लग रही है, अगर कोई फिक्स कॉस्ट है जो कि स्पेसिफिकली लग रही है तो उसको भी ऐड कर देंगे। तो इफ एनी फिक्स कॉस्ट स्पेसिफिक टू सच ट्रांसफर, तो वो लग रही है उसको ऐड कर देंगे। तो इस और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर उसने कोई छोड़ा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ले लेंगे। इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसे बोलेंगे रिलेवेंट कॉस्ट ऑब्लिक मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, इसे बोलेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। इससे कम में ये देगा ही नहीं, क्यों, इससे कम में अगर आपको दे दिया तो इसको लॉस हो जाएगा, तो वो लॉस करेगा नहीं। तो ये तो हो गया इसका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। तो और लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है ना वो इनकर नहीं होती है इंटरनल ट्रांसफर पर, तो वो नॉट इनकर्ड इन कॉस्ट। तो जब हम लोग वो लेंगे ना वेरिएबल कॉस्ट अप टू द पॉइंट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर, उसके अंदर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को नहीं लेंगे। और जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को नहीं लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट केवल प्रोडक्शन की रहेगी, दैट्स ऑल। फिर इसके अलावा अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब कब अराइव हो सकती है ये भी तो देखें। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइव कब होगी ये देखिएगा। तो ये होती है सप्लायर डिवीजन प्रोड्यूस करता है और सेल करता है मार्केटेबल प्रोडक्ट, मतलब सप्लायर डिवीजन मिल्क डिवीजन जो है वो मार्केटेबल प्रोडक्ट ही बनाता है और उसको बेचता भी है। एंड सप्लायर डिवीजन ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी, अगर वो फुल कैपेसिटी पे काम करेगा तभी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, क्योंकि अगर वो कम पे काम कर रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी नहीं, क्योंकि वो तो आइडियल कैपेसिटी के टाइम पर ही फुलफिल हो जाएगा। तो ये चीज है। अब रेंज ऑफ नेगोशिएशन की बात करते हैं। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस के अंदर क्या रहेगा, अब वो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस वो क्या देना चाहेगा देखिएगा। रिसिपिएंट का व्यू आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ये मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में एक तो चीज क्या होगी कि अगर उसको मार्केट प्राइस पे, कि जो उसको मार्केट में मिल रहा है वो पहली चीज। दूसरी चीज, सपोज से मिल्क लेकर आएगा, मिल्क को पनीर बनाएगा, पनीर बनाने के बाद बेचेगा। सपोज से ये जो बेच रहा है ये बेचने में उसको लग रहे हैं 100 रुपए, 100 रुपए में बिक रहा है साहब, लेकिन मिल्क से पनीर बनाने में उसको 15 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो इसका मतलब 100 रुपए कमाएगा जब 15 रुपए खुद खर्च कर देगा, तो इसका मतलब वो आपको 85 से ज्यादा दे ही नहीं सकता, चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो, चाहे मार्केट प्राइस 90 भी होगी ना तो भी वो आपको 85 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर उसने मार्केट प्राइस जितना भी आपको दे दिया, 90 रुपए भी आपको दे दिया, तो 15 रुपए खुद लगाएगा तो 105 की कॉस्ट आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में 105 पर उसको लॉस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिसिपिएंट की एबिलिटी नहीं है। तो रिसिपिएंट की एबिलिटी कैसे आएगी, रिसिपिएंट की एबिलिटी आएगी जो उसको मार्केट प्राइस मिल रही है वो, उसके बाद माइनस कर देगा उसकी खुद की खर्चा, ये तो ये उसकी एबिलिटी होगी। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, लोअर कैसे, 100 रुपए का मार्केट प्राइस है, 15 रुपए खुद का खर्चा है, तो कितना आया इसके लिए खुद की, ये कितना चाहेगा 85 रुपए में दे दे, मार्केट प्राइस है 90 में, तो ये क्या कहेगा, मैं तो 85 से ज्यादा दे ही नहीं सकता, 85 से ज्यादा दे ही नहीं सकता। क्यों, अगर मैं 85, वो तो कहता है मार्केट प्राइस तो दे ही सकते हो ना, तो कहा नहीं, अगर मैंने मार्केट प्राइस आपको दे दी तो मेरे को 5 रुपए का लॉस होगा, मैं ऐसा पनीर बनाना ही नहीं मेरे को। तो इसका मतलब क्या होगा, 85, 85 और 90 विचएवर इज लोअर। अब सपोज से 85 आ रही है मेरी एबिलिटी, लेकिन मार्केट में ये 80 में मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं 80 से ज्यादा नहीं दूंगा, क्यों, मैं मार्केट से खरीद के लाऊंगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा देखिएगा, पहला मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या देखिएगा, मार्केट प्राइस पहली, तो रिसिपिएंट की एबिलिटी, रिसिपिएंट की एबिलिटी मैंने आपको बताई दिया, इसका एग्जांपल ये रहा। इफ रिसिपिएंट डिवीजन इज सेल फाइनल प्रोडक्ट 100 में बेचता है, इनकर करता है खुद की कॉस्ट 15 में, तो ऑब्वियस ही बात है इन दिस सिचुएशन रिसिपिएंट डिवीजन इज रेडी टू पे 85 फॉर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए 85 से ज्यादा नहीं देगा। तो अगर मार्केट प्राइस 90 है तो 85 हो गई आपकी मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, और अगर मार्केट प्राइस 80 है तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 80 हो गई। तो नेगोशिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, नाउ आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम, नाउ वी कैन कंक्लूड ट्रांसफर प्राइस की जो नेगोशिएशन है ना वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ही रहेगी। और बिकॉज सप्लायर, क्योंकि सप्लायर जो है वो मिनिमम से कम नहीं लेगा, और जो आपका रिसिपिएंट है वो रिसिपिएंट इससे ज्यादा नहीं देगा, दैट्स ऑल। ये हमारे लिए पूरा का पूरा ट्रांसफर प्राइस रहा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ये आपका ट्रांसफर प्राइस का पूरा है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका पूरे के पूरे नोट्स लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। और फिर हम लोग इसको पूरा ढंग से समझते हुए हर एक क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और अपनों का। और एक चीज ध्यान रखिएगा, होस्टिंग आसान है। सो गाइज होस्टिंग आसान। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई एनर्जी के साथ आप और हम लोग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।